करी थी याद है, क्लासिफिकेशन आई थिंक वी डिडंट कवर, कि क्लासिफिकेशन कवर कर ली थी हमने। लेट बताइए मेरे को, क्या इनका डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या थे आर्थ्रोपोडा के? आर्थ्रोपोडा में याद है हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या ये ट्रिपल ब्लास्टिंग होएंगे, यस। क्या ये सिमेट्रिकली होएंगे, बाइलेटरली, यस। क्या मेटामेरिकली सेगमेंटेड होएंगे, सेगमेंटेड का क्या मतलब होता है, सेगमेंटेड का, ठीक है ना, लग गई समझ? ओके, ये समझ लगा आपको? ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल, सिमेट्रिकल, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब इनके पैर हमेशा जैसे एक पैर फितर एक पैर पेयर में होंगे, पेयर पेयर में होंगे इसके फूट हमेशा। आर्थ्रो का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, जॉइंट। पोडोस का मतलब होता है फुट, जॉइंटेड फुट, ठीक है जी। हमेशा ये बायलेटरल ही होंगे, तो मतलब दो दो की पेयरिंग में होंगे, ये सीधी सी बात है। तीसरी बात इसमें जो याद करने वाली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इनको दो रीजन्स में डिवाइड करेगा, यानी सेफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमन। नॉर्मली होता क्या है, और हम जो हायर ऑर्डर बींग्स है, हमारे में एक हेड होता है, एक थोरेक्स होता है, एक एब्डोमन होता है, याद है हमने पढ़ा था, हेड, थोरेक्स, थोरेक्स कैविटी और एब्डोमन पेट वाला हिस्सा, ये तीनों डिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब तीन डिफरेंट रीजन होते हैं हमारी बॉडी। लेकिन सपोज ये नेक ना हो और ऊपर से सीधा हमारा जो हेड है, हेड जो है वो अटैच हो नीचे थोरक्स के साथ, फिक्स्ड हो, इनको डिफरेंशिएट करने वाला कुछ चीज ना हो, बीच में नेक ना हो, तो हम उसको बोलेंगे सफेलो थोरक्स। इनमें जो होता है, सफेलो थोरक्स कट्टा होता है और एब्डोमन डिफरेंट होता है, हम बात करेंगे आगे जाके। जैसे आप क्रैब की एग्जांपल देंगे, आपको क्रैब का देखा था हमने, तो वो सारा क्या होता है, वो हेड और जो उसका नेक होती है, नेक नहीं होती है सॉरी, उसमें हेड और थोरेक्स वो फिक्स्ड होता है, और जो थोरेक्स है सॉरी एब्डोमन है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट आर्थ्रोपोडा वास कि भाई ये क्यूटिकल होता है, प्रोटीन होता है, इसके कारण इसका जो शेल होता है वो हार्ड होता है, ठीक है जी। मसल सिस्टम होते हैं कि नहीं होते, यस, इसमें मसल सिस्टम भी होते हैं, ठीक है। पेयर्ड बैंडेजेस भी होते हैं, पेयर्ड बैंडेजेस मतलब जॉइंट लेग्स होती हैं, दो दो की लेग्स होती हैं हर पास से, ठीक है, दो दो का वो होता है। बॉडी कैविटी में इसमें हेड, इसमें आप बताओ मेरे को, विल देयर बी ब्लड इन आर्थ्रोपोडा? ऑफ कोर्स देयर विल बी ब्लड इन आर्थ्रोपोडा, इसको बोलते हैं हम हीमोसील। क्या बोलते हैं हम, बताइए, हीमोसील। व्हाट इज हीमोसील? सील का मतलब तो आपको पता लग गया, कैविटी, हीमो का मतलब ब्लड, तो ब्लड इन कैविटी इज नोन एज हीमोसील। तो क्या ये हीमोसील होते हैं, यस। क्या ये डिप्रोप्लास्टिक होते हैं, यस। क्या इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, यस। क्या इनके पास फेलोथोरेसिक कट्ठा फ्यूज होता है, ये भी यस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी व्हेन यू आर डूइंग दिस फाइलम, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। डन? Somebody is complaining, sir, it is not connecting. Please help her in 1 year group. ठीक है, उनको बताओ किस प्रकार आप करवा सकते हो, कोई उनको बता दे कि ये कैसे ज्वाइन करना है आपने, प्लीज उनकी हेल्प कर दो। अच्छा, तीस चौथी बात इसमें जो याद रखनी है, एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट होगा, यस। एलिमेंट्री कनाल मतलब एक माउथ होगा, एक एनस होगा, एक, और दोनों ऑपोजिट एंड पे हैं, सेम एंड पे नहीं है, ऑपोजिट पे एंड पे है। रेस्पिरेशन होगी, यस। कहाँ से हो सकती है, बहुत प्रकार से हो सकती है, थ्रू बॉडी सरफेस भी हो सकती है, गिल भी हो सकते हैं, एयर ट्यूब्स भी हो सकती है, जिसको आप ट्रेकिया बोलते हो, प्रिमिटिव टाइप के, और बुक लंग्स भी हो सकते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, क्योंकि ये इंसेक्ट्स हैं और इंसेक्ट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन होता है, ये याद रखना हमेशा। जितने भी सारे इंसेक्ट्स हैं, जितने भी सारे ऑर्थोपोडास हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम विद डोर्सल हार्ट। डोर्सल का मतलब क्या होता है, पीछे को, हमारा तो फ्रंट में है ना, ये हमारा डोर्सल सरफेस नहीं, हमारी पीठ डोर्सल सरफेस है, वेंट्रल हमारा ये है, हमेशा याद रखना, डोर्सल वेंट्रल, डोर्सल वेंट्रल, वेंट्रल डोर्सल, ये समझ रहे हो, ये सारा वेंट्रल एरिया है आपका, इसके पीछे जो पीठ वाला एरिया है सारा, जिसपे आप देख नहीं पाती हो, वो सारा कौन सा हो जाएगा, डॉर्सल, पीछे वाला एरिया मतलब डॉर्सल। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम विद डॉर्सल हार्ट, डॉर्सल मतलब फ्रंट में हार्ट, सॉरी बैक में हार्ट। तो हमारा कौन सा है, हमारा क्लोज सिस्टम है विद वेंट्रल हार्ट, ठीक है जी। डन?
क्या इसमें एक्सक्रीटरी ग्रैंड्स होंगे? नो। तो ट्रू मेलफिजन ट्यूब्यूल जरूर होंगे, बट इट इज स्टिल अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बट नॉट अ सिस्टम ऑफ किडनीज, या जैसे हम नेफ्रिडियम बोलते थे, नेफ्रिड नेफ्रॉन्स बोलते थे, वैसा नहीं है। ठीक है। और क्या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? डाइमॉर्फिज्म मतलब मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट। हर्मा हर्मा हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल एक ही में हो, तो वो हर्माफ्रोडाइट। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डाई का मतलब दो, मॉर्फिज्म का मतलब डिफरेंशिएटेड, तो सेक्सुअली दे आर डिफरेंशिएटेड मेल एंड फीमेल्स। ओके। फर्टिलाइजेशन क्या होगी? इंटरनल होगी, आपको पता है। ओविपेरस होंगे और ओवोविविपेरस भी होते हैं, दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। अब इसमें क्रस्टेशियंस आता है, क्लास याद रखना, ठीक है? क्रस्टेशियंस आता है, क्रस्टेशियंस में आपका आएगा क्रैब, क्रैब समझते हो ना, प्रॉन क्रैब, ये सारा कुछ आएगा आपका क्रस्टेशियंस में। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है क्रस्टेशियंस में? ये सब क्लास है अंडर आर्थ्रोपोडा, ठीक है? आर्थ्रोपोडा में एक क्लास है। अब देखो फाइलम के बाद क्लास आती, फाइलम में आपको याद रखनी क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियंस में क्या आता है? हेड और थोरैक्स फ्यूज्ड होते हैं, हमेशा याद रखना। हेड एंड थोरैक्स है डिफरेंशिएटेड नहीं होते, हेड और थोरैक्स फ्यूज्ड होते हैं, तो दैट इज नोन एज सेफेलोथोरैक्स। रेस्पिरेशन इज बाय ग्रिल्स, ठीक है? अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात आती है मीरियापोडा। लेट मी राइट इट ओवर हियर, वेट वेट वेट, गुड मॉर्निंग। ओ कोई बात नहीं तमन्ना जी, लेट मी राइट ओवर। आर्थ्रोपोडा की सब क्लासिफिकेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी बार पेपर में पूछी जा चुकी है ये। तो सबसे पहले क्लास आती है क्रस्टेशियंस, फिर आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस मीरियापोडा। मीरियापोडा, पोडा का मतलब फुट, मीरिया का मतलब बहुत ज्यादा, MYRIA, मीरिया का मतलब बहुत ज्यादा, मैनी मैनी फुट। तो कोई एग्जांपल बताइए मैनी फुट वाले, कोई भी जिसमें बहुत ज्यादा फुट हो। लग गई समझ? नहीं, वो डिफरेंट कल्प है। मैनी फूड्स, पेयर्ड फूड्स होने चाहिए, ये याद रखो। और ऑक्टोपस में पेयर्ड फूड्स नहीं होते, ये याद रखो। सेंटीपीड आएगा, मिलीपीड आएगा, मैनी फूड्स आए वाला इसमें आएगा। इसके बाद और जो बताता हूँ और क्या क्या आ सकता है इसमें। इसमें आपका मैं सेंटीपीड मिलीपीड हो गया, फिर आता है एक और ग्रुप इंसेक्टा, ठीक है ना, इंसेक्टा। और लास्ट में आता है आपका अरेक्निडा, ठीक है, अरेक्निडा। पहले हम इंसेक्ट्स की बात कर लेते हैं। इंसेक्ट्स में क्या होता है करेक्टरिस्टिक फीचर? बॉडी डिविजिबल इनटू डिस्टिंक्ट हेड थोरेक्स एब्डोमन, याद है? हेड थोरेक्स एब्डोमन में जब डिफरेंशिएटेड होएगी बॉडी, तो उसको हम इंसेक्ट्स बोलेंगे। इसमें आपको पता ही है सारे के सारे, कॉकरोच हो गया, ग्रास होपर हो गया, हनी बी हो गया, कुलेक्स जो मॉस्किटोज हो गए, सारे के सारे बेड बग्स हो गए, बटरफ्लाई हो गए, दे कॉल कम अंडर द बेसिक क्लासिफिकेशन या क्लास ऑफ इंसेक्टा, ठीक है? रेस्पिरेशन इसमें ट्रेकिया के थ्रू होती है, बॉडी इसमें हेड थोरेक्स और एब्डोमन में डिफरेंशिएटेड होती है, ठीक है? यूजली इसमें क्या होता है, एंटीने भी लगे होते हैं। अगर आप देखो तो इसमें एंटीने भी लगे होते हैं। आपने हाउस फ्लाई की बात की होगी, मक्खी की बात की होगी, तो उसमें भी एंटीने लगे होते हैं दो, ठीक है? थोरेक्स में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, और फ्लाई कभी जो उड़ते हैं उसमें तो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी होते हैं, ठीक है? तो दीज कॉमन थिंग्स कम्स अंडर इंसेक्टा। ओके। इसके बाद जो आता है मेन चीज, दैट इज एरेक्निडा। एरेक्निडा में आता है कि सफेलोथोरेक्स इकट्ठे जो फ्यूज हो जाते हैं, मतलब हेड और थोरेक्स फ्यूज होते हैं, एब्डोमेन सेपरेट होता है। इसमें आता है आपका स्कॉर्पियंस, इसमें आता है आपका स्पाइडर, इसमें आता है आपका टिक, इसमें आता है किंग क्रैब, हम बात करेंगे किंग क्रैब की भी, ठीक है? डन। ओके। एक एक इसमें एक चीज और रह गई है, पांचवी क्लासिफिकेशन, वो है ओंकाइरोफोरा,
ठीक है। और कायरोफोरा एक बहुत डिफिकल्टी है, मतलब एक बहुत ज्यादा सिंपल, मतलब सबसे पहले ये आनी चाहिए थी वैसे, वो मैं भूल गया। और कायरोफोरा में बॉडी इलॉन्गेटेड होती है, सेगमेंटेड होती है एंड विद थिन क्यूटिकल यानी पेरिपेटस। ये समझ लग जाएगा अपना आपको कि नहीं। लेट मी राइट इट ओवर हियर। तो हमने पढ़ लिया मायरियापोडा, क्रस्टेशियन, देन वी डिड वाज इंसेक्टा, ठीक है, इंसेक्ट्स। देन वी व्हाट वी डिड वाज लास्ट में था ओंकायरोफोरा, ओंकायरो फोरा FORA, एंड इंसेक्ट्स के बाद था आपका अरेक्निडा। इसमें सारे स्पाइडर्स आएंगे अरेक्निडा में, ठीक है। अभी आपको पता, एक पेपर में कभी पूछा जाता है अरेक्नोफोबिया, फोबिया मा मतलब डर और अरेक्नो का मतलब, किससे डर लगता है आपको? स्पाइडर से डर, अरेक्नोफोबिया। गुड गुड गुड। दे आर कार अंडर आर्थ्रोपोडा बेसे फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्रस्टेशियंस का बारे में आपको मैंने बता दिया। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू एंड आई विल लाइक यू टू रीड समथिंग, ठीक है, डिफरेंशिएट नाउ समथिंग, ठीक है। अब देखना ध्यान से, लेट मी शेयर विद यू समथिंग। नाउ आर यू सीइंग दिस कैंसर, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, रॉक क्रैब। क्या इसमें आप बताओ मेरे को, क्या इसमें डिफरेंशिएटेड हेड और थोरेक्स है? नो। पर क्या इसमें एब्डोमन डिफरेंशिएटेड है? यस। ये देखो दिख रहा, तो किस में डालूंगा इसको बताओ 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 जल्दी। क्या बोल रहे हो? ठीक है, ये देखो दिख रहा है, ठीक है, ये किस में डालेंगे हम? लग गया समझ? देखो देखो ध्यान से, स्पाइडर किस में डालेंगे? अरेक्निडा में। ये तो समय लग गया, क्योंकि सेफेलो और थोरेक्स इकट्ठा है और एब्डोमेन इकट्ठा है, तो डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो इसमें आप डाल दोगे। इसको कहाँ डालोगे? बेड बग में। ये भी अरेक्निडा में आ जाएगा। इसको किस में डालोगे? बटरफ्लाई को, बताइए। बटरफ्लाईज, इंसेक्टा और क्रस्टेशियंस, बताइए 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 जल्दी। गुड, लग गई समझ? ओके ओके, चलिए। प्रॉन्स, अब ये जो प्रॉन्स है, ये देखो ये किस में आएंगे? प्रॉन्स में, जब हमने क्रस्टेशियंस पढ़ा था तब मैंने आपको करवाया था कि भाई इसमें क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। ये देखो, हेड एंड थोरेक्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म सेफेलोथोरेक्स, यस, बट इसमें एब्डोमेन डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, गिल से इनकी रेस्पिरेशन होती है। तो ये कहाँ पे जाएंगे? जैसे पेलियोमोन हो गया, प्रॉन हो गया, वाटर फ्ली हो गया, साइक्लोप्स हो गया, दे ऑल कम अंडर द विच कम क्लासिफिकेशन? दे कम अंडर क्रस्टेशियन। साइक्लोप्स भी क्रस्टेशियन, क्योंकि इसमें एब्डोमेन नहीं है, सफेलो और थोरिक्स इकट्ठा है, देर इज नो एब्डोमेन। जैसे यहाँ पे एब्डोमेन है ना, ये देखो पीछे वाला, ये डिफरेंशिएटेड है, एब्डोमेन पीछे वाला डिफरेंशिएटेड है, एब्डोमेन पीछे वाला डिफरेंशिएटेड है। दे ऑल विल कम अंडर सब कैटेगरी साइमैक्स, अरेक्निया, और ये सारा कुछ अरेक्निडा में आएगा। सेंटीपीड और ये जैसे ये है, ये जो आपको दिख रहे हैं अपेंडेजेस कवरिंग में, ये किस में आएंगे बताइए? मीरियापोडा में। लग गई समझ? मीरियापोडा। और ये तो आपको पता ही है, पेरी प्लानिटा किस में आएगा? ये पेरी प्लानिटा कॉकरोच जिसको बोलते हो,
दैट इज कम अंदर इंसेक्ट्स और क्या कहते हैं, किस में, इंसेक्ट्स में आएगा सारा कुछ। तो एवरीवन गेटिंग टू नो समथिंग नाउ, लगा कुछ समझ? गुड, नाउ वी हैव डन दीज बेसिक थिंग्स, नाउ लेट अस मूव फर्दर। इसके बाद हमने पढ़ा था मलस्का, मलस्का के बाद आज हमने स्टार्ट करना था फाइलम एकिनोडर्माटा, है ना। मीरिया पौडा, मीरिया मतलब मैनी, पौडा मतलब पैर, मीरिया पौडा की एग्जांपल होगी सेंटीपीड, मिलीपीड, जूलस, ठीक है ना, ये सारा कुछ डन। ओके, फाइलम एकिनोडर्माटा, एकिनोडर्माटा का क्या मीनिंग होता है? डर्माटा मतलब एक तरह का स्किन, ठीक है, और एकिनो मतलब होता है स्पाइनी, ठीक है। तो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स दे आर नोन एज एकिनोडर्माटा, ठीक है, स्पाइनी स्किल्ड एनिमल्स दे आर स्किन्ड एनिमल्स दे आर नोन एज एकिनो डर्माटा। नाम से याद रखा करो, डर्माटा मीन स्किन, एकाइनो मतलब स्पाइना, स्पाइनी, ठीक है। तो ये मोस्टली जो सिंपल एनिमल्स होते हैं, ये स्टार लाइक भी हो सकते हैं जैसे स्टारफिश, ठीक है, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। अब अगर ये स्टार लाइक होएंगे, अगर ये स्टार आपको दिखेगा स्टार लाइक जैसे स्टारफिश होगा, ठीक है ना, तो आप खुद समझो कि इनकी अब सिमेट्री कैसी होगी, क्या ये रेडियली सिमेट्रिकल होंगे या बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, समझ लग गया ना। तो अगर ये स्टार है तो ये हर तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हो हाफ में, तो यू कैन से दैट दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है ना। तो रेडियली सिमेट्रिकल होएगा, क्या ये सिलोमेट्स होंगे कि ए सिलोमेट्स होंगे, सिलोमेट्स होंगे, क्या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, यस दे कैन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या ये सेजमेंटेड होंगे या अनसेजमेंटेड होंगे, बताइए। सेगमेंटेड का मतलब समझता ना, दो दो के कॉम्बिनेशन में सेगमेंट्स बने होते हैं, इसमें सेगमेंटेशन नहीं होती है, नॉन अनसेगमेंटेड होते हैं, ये समझ लगा कि नहीं आपको। इससे पहले जो हमने पढ़ा था मिलीपीड, सेंटीपीड, एनिलिडा, जो पूरे का पूरा फाइलम पढ़ा था एनिलिडा, उसमें सिलो उसमें डिवाइडेड होते थे, उसमें सेगमेंटेशन होती थी, उसको आप मेटामेरिज्म भी बोलते थे, लेकिन इसमें एकिनोडर्माटा में देयर विल बी अनसेगमेंटेशन, ठीक है। तो क्या इनमें बॉडी जो होगी, क्या एक डिस्टिंक्ट हेड होगा इसमें, ठीक है ना, नहीं होगा। जैसे आप बात करते हो स्टारफिश की, एक हाथ की तरह होती है, पांच ऐसे होते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंशिएटेड हेड या आपके पास नहीं होता, थोरेक्स नहीं होता, ठीक है। और क्या इसमें हो सकता है, हाँ, बॉडी वाल जो होते हैं वो स्पाइन उसमें लगे होते हैं, क्योंकि इसमें लिखा ही हुआ है काइनोडर्माटा, तो बॉडी वाल में स्किन में क्या लगे होते हैं, स्पाइन्स लगे होते हैं। अगर आप स्टारफिश को भी देखो, उसके सारे माउथ में बहुत बड़े छोटे छोटे स्पाइन्स लगे होते हैं, ठीक है ना, डन। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एबसेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिवली दे आर सेक्सुअली एसेक्सुअल एंड बाय रीजनरेशन आल्सो, ठीक है जी, डन। तो लेट मी शो यू सम पिक्चर्स ऑफ दैट एज वेल, सम स्लाइड्स रिलेटेड टू दैट एज वेल, ठीक है। चलिए, तो ये आपको मैंने अब बता दिया, इसको बस देखते जाओ। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, बट डिस्टिंक्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अभी नहीं पाए जाएंगे। क्या इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, यस। क्या इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है, यस। ओके, आगे चलते हैं। क्या इसमें अडल्ट में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री, लार्वा टाइप में जब ये छोटे होते हैं, जब ये बड़े होने की कोशिश में होते हैं तो ये बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं, बट आपको अडल्ट में याद रखना है दे आर ऑलवेज रेडियली सिमेट्रिकल, यू नो रेडियली सिमेट्रिकल, डन। चले आगे, सो व्हाट एल्स कैन वी डू हियर, ये भी करवा दिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दैट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी डन दैट कि दे आर सिलोमेट्स, ठीक है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है, सिलोम होती है, सिलोमेट्स होते हैं। हैबिट, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, यह याद रखो हमेशा, मरीन ही होते हैं, दे आर नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर आल्सो, तो सिर्फ ओशंस में पाए जाएंगे ज्यादातर ये, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं,
डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, वेंट्रल में माउथ और डोर्सल में एनस, ठीक है ना, यही चीज होती है, मुंह से एनस तक पूरा कनेक्टेड होता है ये, ठीक है। और क्या चीजें हो सकती हैं इसके अलावा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है, गिल्स होते हैं, ठीक है, ट्यूब फीट भी होते हैं, दे आर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इतना ही आपको याद रखना ऊपर ऊपर से एकिनोडर्माटा में। और अगर आप देखो ध्यान से, तो ये देखो छोटे छोटे टाइनी इनके ऊपर स्पाइन लगे होते हैं, ये देखो स्पाइन लगे हैं ना हर जगह पे, इसके खुरदरे स्पाइन होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पाइन जो होते हैं बेसिकली दे एक्ट एज अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है, ये इसको तोड़ने में भी हेल्प करते हैं फूड को, ठीक है। ये देखो स्पाइंस लगे होते हैं, ठीक है ना, ये नीचे इसके पैर हैं, ये नीचे इसके पैर हैं, ये देखो स्पाइन की तरह जो नीचे भी लगे हुए हैं, दे आर बेसिकली इसके पैर। और इसके ऑर्गन डिफरेंशिएटेड कैसे होते हैं, देखो एक सेंटर में एक ये वाला चीज होती है, और इधर देखो एक एक लिम में इसका गोनेड्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम चला गया, एक में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम चला गया, एक में इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम चला जाएगा, एक में इसका डिफरेंशिएटेड, ऐसे करके पांच में डिफरेंशिएटेड चीजें होती हैं इसके पास, ठीक है जी, डन। तो इसमें इस क्लास में, सॉरी इस फाइलम में ये सारा कुछ आता है, सी अर्चिन्स हो गया, ये यूजली ये बड़े आते हैं, ये सी लिली हो गया, ठीक है, ब्राइटल स्टार हो गया, ये सी कुकुम्बर हो गया, तो ये सारे इसमें आते हैं इकिनोडर्माटा में। इसमें जो आपको जो मेजर मेजर चीजें हैं वो मैंने बता दी हैं, इतना ही याद करना है। तो ये सारा कुछ देख लो, एक इस तरह से बना लोगे अपना, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन ही रहेगा, क्लोज्ड अभी नहीं आएगा, क्लोज्ड हमने कहाँ पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या इंसेक्ट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होगा कि ओपन होगा, बताओ, इंसेक्ट्स में ओपन, अर्थवर्म में, ध्यान से बताना, अर्थवर्म में, यस वेरी गुड सुमनप्रीत, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा। और ये किस फाइलम को बिलोंग करता है जल्दी बताओ, फाइलम कौन सा है इसका, अर्थवर्म का, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार कोमल जी, ठीक है कोमल, आप इस बार पेपर दे रहे हो सीएपीएफ का, जो बना आप भी, ओके, व्हाई आर यू नॉट गिविंग द पेपर, पता नहीं चला था कि यार लेट ज्वाइन किए थे, चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास फाइलम आता है, दैट इज फाइलम हेमीकॉर्डेटा, ठीक है, हेमी मतलब आधा, कॉर्डेट मतलब जिनके पास नोटोकोड आधी बनी डेवलप होगी, दैट विल बी नोन एज हेमीकॉर्डेटा, ठीक है। तो ये हमने भी पढ़ना था अभी, लेट अस स्टार्ट दिस हेमीकॉर्डेट्स। हेमीकॉर्डेट्स में क्या होगा, हेमीकॉर्डेट्स में बेसिकली आपके पास हाफ हाफ सेगमेंटेड होती है, ये आपको बताया था, अनसेगमेंटेशन ही अब रहेगी, सेगमेंटेड नहीं रहेगी, ठीक है, वर्म लाइक होंगे, आपने देखा अभी फोटो में भी देख रहे हो, वर्म वर्म मतलब एक वर्म लाइक इनकी बॉडी होएगी, बायलेटरल सिमेट्री होएगी, ठीक है। और इसमें जो फीचर्स होंगे वो इनवर्टिब्रेट यानी कि नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच वाले होंगे, हेमी का मतलब दोनों फीचर्स होंगे, हाफ कॉर्डेट होगा, हाफ नॉन कॉर्डेट होगा, कॉर्डेट का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, कॉर्डेट का मतलब होता है जब आपके पास, अब देखो इनको आप किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, लेट मी शो यू, ये आगे भी बताऊंगा वैसे, बट इसको आप बेसिकली यू कैन डिवाइड इट इन बेसिकली वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स, सॉरी लेट मी स्टार्ट विथ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, ठीक है, और वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रे हम किसको बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट हम क्यों बोलते हैं, वर्टिब्रा किसको बोलते हैं, वर्टिब्रे क्या इनक्लोज करते हैं, किसको
बीच में रखा होता उन्होंने। बैटमैन दे एनक्लोज व्हाट? यस स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का एक नाम होता है डोर्सल नर्व रूट आल्सो। तो नर्व रूट हो गया चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड हो गया, वन एंड द सेम थिंग। तो वर्टिब्रे का क्या मतलब होता है? वर्टिब्रे का मेन फंक्शन क्या होता है बताइए? वर्टिब्रे का मेन फंक्शन क्या होता है? दे एनक्लोज स्पाइनल कॉर्ड, बट वट इज वाई दे आर रिक्वायर्ड टू बी एनक्लोज इन दिस बोन बताइए? वर्टिब्रे का मेन फंक्शन, बहुत बढ़िया कांशा सिंह, वर्टिब्रे का मेन फंक्शन इज नॉट ओनली टू होल्ड बट आल्सो टू प्रोटेक्ट। तो अगर आपको कोई पीछे मुक्का मारता है पीठ में, तो ये नहीं कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है, समझ रहे हो? बिकॉज दैट इज एनक्लोज्ड इन दिस प्रोटेक्टिव शील्ड। ये उनको प्रोटेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को डिफरेंशिएटेड है। आगे जाके आपको नर्वस सिस्टम डिफरेंशिएटेड चाहिए तो आपके पास वर्टिब्रा होने चाहिए। तो वर्टिब्रा भी आगे हम बात करेंगे, अगर वो कार्टिलेजनस में इन्वॉल्व होगा या वो बोनी एक्सोस्केलेटन होगा, यानी कि जैसे ये वाला है, ठीक है? तो आपने कार्टिलेजनस फिश भी खाई होगी, नॉन कार्टिलेजनस फिश भी खाई होगी या बोनी फिश भी खाई होगी, देखा होगा ना, खाई है ना? तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्लासे हम कर रहे हैं, क्लासीफाई वर्टिब्रा बेस्ड अपॉन कार्टिलेज एंड देन नॉन कार्टिलेजनस, या आपको कैल्शियम के साथ एसोसिएटेड जो बोन होती है वो पाई जाएगी, ठीक है? इन वर्टिब्रेट में ये सब कुछ नहीं होता, इसका नाम हमने रख दिया नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, जिनमें ये प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है। इन दोनों के बीच में हमने डाल दिया हेमी कॉर्डेट्स को, ठीक है? क्या डाल दिया? हेमी कॉर्डेट्स को। तो मेरे को बताओ अब एकिनोडर्माटा कहाँ है? विल इट कम अंडर हियर, हियर और हियर? नो मीनू जी, नहीं, नो नो नो, क्या बात कर रहे हो यार, उसमें कहाँ हमने हड्डियां पड़ी थी बताओ? क्या कोर्डेट का नाम हमने स्टारफिश में सुना था? तो नॉन कोर्डेट्स में आएगा भाई, अभी हेमी कोर्डेट्स अभी हमने अभी करवा रहा हूं अभी आपको, तो वर्टिब्रेट तो अभी करने हैं हमने, ठीक है ना? गुड, आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? तो इनवर्टिब्रेट्स, हेमी वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, नॉन कोर्डेट्स, हेमी कोर्डेट्स और कोर्डेट्स, समझ लग गया? एक ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी? अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूं या वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूं, समझ लग गया आपको? नॉन कोर्डेट्स, हेमी कोर्डेट्स और कोर्डेट्स, लग गई समझ? कोर्डेट्स को आगे हम क्लासिफाई करेंगे। तो जब मैं बात कर रहा हूँ फाइलम हेमी कोर्डेटा की, तो ये दोनों के बीच वाला आएगा, ठीक है? वर्म लाइक होगा, ये भी बता दिया आपको मैंने। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑफ कोर्स देयर विल बी ऑर्गन सिस्टम। अब हम ऊपर चले गए, अब टिश्यू लेवल से तो काफी ऊपर आ गए हम, ठीक है ना? ये सीलोमेट होगा, सीलोमेट होगा, स्यूडो सीलोमेट होगा, सीलोमेट होगा, बाइलेटरल होगा, फिर रेडियल होगा, बाइलेटरल होगा, ठीक है ना? ये हम अब बाद में रिपीट बार बार नहीं करेंगे, ये हमेशा ट्रू ही रहेगा सारी चीजें, ठीक है ना? ओके, अब डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, गिल्स भी होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स के थ्रू भी होता है, ठीक है? रिप्रोडक्शन इज डायोशियस, मतलब दो इसमें सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि बाहर ही पैदा होता है जो बच्चा पैदा होता है। डेवलपमेंट इज स्टिल इनडायरेक्ट, ठीक है? ओके, पर अब इसमें याद क्या करना है आपको? सिलेंड्रिकल पोलर वॉन प्रोबोस्कस ग्लैंड्स, अब ग्लैंड से सिक्रीशन होना, एक्सक्रीशन होना शुरू होगी। इससे पहले जब हमने पढ़ा था कि एक ऑर्गन जो सेल से होती थी एक्सक्रीशन, अब क्या होगा? ग्लैंड से शुरू होगी, यानी कि टिश्यू आ गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्रीशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर ऑर्गन आएगा एक्सक्रीशन का, यानी कि किडनीज, समझ रहे हो? तो किस तरह से हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ाते थे सेल से ही एक्सक्रीशन होती है, और सेल से एक्सक्रीशन होती है मार्फिजियन ट्यूब्यूल्स की बात कर दो, उससे पहले अगर हमने पढ़े थे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, वो सेल्स के रूप में देखा होगा आपने। बट अब हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, अब स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो रही है, ग्लैंड्स आ रहे हैं, ग्लैंड्स के बाद अब क्या आएगा? ऑर्गन आएगा, ठीक है जी?
चलिए ये भी हो गया। इसके अलावा और एग्जाम्पल, ये देख रहे हो सारे के सारे एग्जाम्पल्स ही, ठीक है ना। टंग वॉर्म हो गया, स्कैलोगोकस हो गया, ये मोटे हैं बड़े हैं, ठीक है ना, और ये पैरासाइट नहीं है, ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। तो यू आर एग्जिस्टिंग, यू आर, ये देख रहे हो आप, ठीक है ना, ऑर्गन सिस्टम, बायलेटर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओपन सिस्टम, इसमें अलग से और कोई चीज आई डोंट नो की होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब कोडेट्स में क्या आता है, ठीक है, कोडेट्स में हम बाद में बात करते हैं। तीन चीजें आती हैं इसमें भी, जैसे अगर हम बात करें तो नॉन कोडेट्स और कोडेट्स में क्या डिफरेंसिएशन होती है, अगर हम बात करें कि अब बात करते हैं कि कोडेट्स और नॉन कोडेट्स में क्या डिफरेंसिएशन होती है। नोटो कोड किस में प्रेजेंट होगी, कोडेट्स में या नॉन कोडेट्स में, पता लग गया ना, कोडेट्स में प्रेजेंट होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होगा या डोर्सल होगा, ये बताइए, डोर्सल और वेंट्रल बताइए। बताइए बताइए, हमारे में क्या है, हमारे में, यस कनेक्टिंग लिंक, यस हो गया, हमारे में वेंट्रल है कि डोर्सल है, हमारे में डोर्सल है, ठीक है, हमेशा याद रखना, क्योंकि आपको पीठ की में आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, आगे तो नहीं है ना रीढ़ की हड्डी, समझ रहे हो ना, तो पीछे है तो डोर्सल, वेंट्रल कहाँ होगा, आगे। तो वेंट्रल होता है नॉन कॉर्डेट्स में और डोर्सल होता है कॉर्डेट्स में, ये डिफरेंसिएशन समझ लग गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ओके, अनदर डिफरेंशिएटिंग फीचर इसमें क्या होता है, हार्ट जो होगा हमारे में कहाँ पे होगा, वेंट्रल के डोर्सल, ये बताना, हम कॉर्डेट्स है ना, तो हमारे में डोर्सल है कि वेंट्रल है, हार्ट की पोजीशन यहाँ पे है कि पीठ में है, समझ गए ना, वेंट्रल है। और जो आपका हार्ट होता है नॉन कॉर्डेट्स में, वो डोर्सली प्लेस्ड होता है, पीछे होता है, याद रखना ये आपको चीजें याद रखना। और हमारे में कॉर्डेट्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमेशा ही क्लोज्ड होता है, कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाएगा, कॉर्डेट्स में या नॉन कॉर्डेट्स में, यू अंडरस्टैंड ना, कॉर्डेट्स में, ठीक है। और फ्रेंजियल ग्रिल स्लिट्स जो होंगे, फ्रेंजियल ग्रिल स्लिट्स क्या होते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये जो क्या क्या, तीन तीन चीजें आपको बताई अभी तक, है ना, एक कॉर्डेट्स में क्या क्या होता है, कॉर्डेट्स की जनरल डेफिनेशन क्या होती है, इनमें एक नोटो कोड होता है, दूसरा फेरेंजियल ग्लियल स्लिट्स होते हैं, और तीसरा डोर्सल नर्व रूट कोड होती है। इसका क्या मतलब, समझो इसके बाद में, एक आपको मैंने पहले कराया था, लेट मी शो यू, अगर है तो वो एक फोटो सी कराई थी, जस्ट सेक, जस्ट सेक, नॉट फाइंडिंग इट राइट नाउ, चलो कोई नहीं, एक मिनट बस, एक मिनट, मैं दिख नहीं रहा, चलो अभी बेसिकली बात सुनो, कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, सुनो कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट्स, दिस इज कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स में बेसिकली तीन चीजें होनी चाहिए आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले नोटो कोड, नोटो कोड क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया था, नोटो कोड जब होएगी तो वो दो प्रकार की हो सकती है, कार्टिलेजनस या बोनी, ठीक है ना, अगर कार्टिलेजनस है तो नॉन कार्टिलेजनस फिश हो जाएगी, कार्टिल कम फ्लेक्सिबल होता है, खुद सोचो फ्लेक्सिबल होता है कार्टिलेज, ठीक है, जो बोन आ जाएगी तो रिजिड आ जाएगा एक्सोस्केलेटन। अब जो रिजिड एक्सोस्केलेटन है इसके बीच में से क्या पास कर रही है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, तो थर्ड जो सेकंड पीस है उसमें आता है डॉर्सल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्व सिस्टम, नर्व कोड बोल दो, एक ही बात है, डॉर्सल नर्व कोड, डॉर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वन एंड द सेम, डॉर्सल स्पाइनल कॉर्ड, समझ लग रहा है भी, ठीक है, डॉर्सल का क्या मतलब है। इसके अलावा एक चीज आती है और, लेट मी रिमाइंड यू, हाँ जी, तो इसके बाद आता है गिल स्लिट्स, फरेंजियल गिल स्लिट्स, फरेंजियल गिल स्लिट्स, ये भी आएंगे,
फ्रिंजियल गिल स्लिट्स क्या मतलब होते हैं, ये कब क्या होते हैं, ये तीनों चीजें क्या क्यों करवाई गई हैं, क्योंकि ये जब बंदा बच्चा फीटस का होता है ना, एक मच्छी का और ये सबका फीटस ऑलमोस्ट सेम दिखता है जब वो 3 वीक्स तक ओल्ड होता है, फीटस एम्ब्रियो, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट सबके सेम है, वर्टिब्रेट सब जैसे है ना, 3 वीक्स तक अगर आप एम्ब्रियो रखोगे वन एंड सेम थिंग लगेगी सबको, ठीक है, क्योंकि अभी छोटा ऐसा होता है, उसमें तीन चीजें पाई जाती है, नोटोकॉर्ड, डोर्सल नर्व रूट्स कॉर्ड और फ्रेंचियल ग्लेड सेल। फ्रेंचियल ग्लेड सेल हमेशा सबसे पहले होता है, मैंने लास्ट क्लास लेक्चर में बताया था, इससे आपका एलिमेंट्री कनाल बनता है, ठीक है, डोर्सल नर्व रूट सिस्टम इसके सबसे पीछे होता है और बीच में होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है ना, समझ लग गई। नोटोकॉर्ड का फंक्शन होता है एनक्लोज करना किसको, डोर्सल नर्व रूट सिस्टम को, फ्रेंचियल ग्लेड सेल का फंक्शन होता है इससे आपकी एलिमेंट्री कनाल बनेगी, डन। तो ये तीन चीजें जिन चीजों में होंगी, अगर आप 3 वीक्स में देखते हो कि भाई एक बर्ड का, ठीक है, एक ह्यूमन का, एक एप्स का, मंकी का, ठीक है, फीटस देखते हो, तो उनमें सेम टू सेम चीज हो रही है, ठीक है ना, 2 टू 3 वीक्स में। अभी जो बेसिकली एम्ब्रियो है बहुत छोटा है, तीनों चीजें वहां पे जा रही हैं। अब इसके बाद जो होएगा वो डिफरेंट हो जाएगा, अगर वो एक मच्छी का फीटस है तो वो डिफरेंशिएट कर देगा, आगे जाके डॉर्सल फिन्स बना लेगा, फिन्स बना लेगा, उनकी बॉडी सिलेंडर लाइक हो जाएगी, ये होगा, ये आगे जाके डिफरेंशिएशन हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन किस कंडीशन में आपको रहना है, आपकी बॉडी उस कंडीशन के हिसाब से बाकी चीजों में डिफरेंशिएट हो जाएगी। लेकिन ये तीनों का कॉमन एंसेस्टर क्या है, वर्टिब्रेट्स, अभी याद आ रहा है वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं, कोर्डेट्स आते हैं सारे के सारे, आर यू गेटिंग दिस नाउ, डन। एंड जो हेमी कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ के आए हैं, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द वर्टिब्रेट्स एंड द इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि नॉन कोऑर्डिनेट्स, ओके। चलिए यहां तक हमने कर लिया है, बस हमारा खत्म है, ये सब आप पढ़ ही लोगे अब, ठीक है, ये सारा कुछ हेमी कोऑर्डिनेट्स में आता है, अब हम पढ़ते हैं, लेट मी स्टार्ट, ठीक है, ये कर लिया, ये कर लिया, कॉर्डेट्स, फाइलम कॉर्डेट्स, फाइलम कॉर्डेट्स में एक सब क्लास आती है वर्टिब्रेट्स, आपको समझ लग गया होगा, ठीक है ना, तो आप इसको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हो, ये देखो आप, ठीक है ना, ये इसका वेंट्रल सरफेस है, ये इसका डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल मतलब पीठ है इसकी, ये वेंट्रल मतलब आगे वाला हिस्सा है, समझ रहे हो। तो गिल स्लिट्स, जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं वो फर्स्ट में आएंगे, पहले आएंगे, फिर आएगा आपका नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड किसको कवर करती है, नर्व रूट को, समझ रहे हो, डन, यही आएगा सारा कुछ, ये आया था फाइलम कॉर्डेट्स। अब ये चीजें समझ लग रही है, नोटोकॉर्ड, डोर्सल ट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब की तरह, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड लिख लो, स्पाइनल कॉर्ड लिख लो, क्योंकि आगे जाके डिफरेंशिएटेड होता रहता है, फ्रेंचियल गिल स्लिट्स, ठीक है जी, ओके। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, नोटोकॉर्ड इज अ फ्लेक्सिबल रॉड लोकेटेड इन द मिड डोर्सल लाइन, मिड डोर्सल लाइन बीच में, ठीक है ना, बिटवीन एलिमेंट्री कनाल, आगे क्या है एलिमेंट्री कनाल और पीछे क्या है नर्व कॉर्ड, सिंपल सी बात है, अब ये चीज आपको डिफिकल्ट तो नहीं ना लग रही समझने में, डन, आगे चले, तीन में डिफरेंशिएशन भी कर ली थी हमने, इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत इजीली आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, ये वाला हिस्सा, फेरेनेक्स जो बना था, फेरेनेक्स हमारे में फेरेनेक्स नहीं है, याद नहीं हमने कहा था, और जबान को पीछे लेके जाओ, देर इज सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के बाद पीछे जाते हो, जिसनों आप कां बोलते हैं, जिनको आप खाली जगह बोलते हैं, दैट इज फारेनेक्स, तो नेजो फारेनेक्स, ओरो फारेनेक्स हम पढ़ के आए हैं, दे यू कैन अटेंड दैट लेक्चर, ओरो फारेनेक्स, नेजो फारेनेक्स, लेरिंजियो फारेनेक्स, यहां तक, और उसके बाद ट्रिक आपका डिफरेंशिएटेड हो जाता है इंटू एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना, इसोफेगस, ओके, तो ये उसी के थ्रू कंटिन्यूएशन के साथ चलता है। चले आगे देखो, ह्यूमंस में क्या है, इसको फेरिंजियल्स और गिल स्लिट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फेरेनेक्स मतलब खाने का काम भी कर रहा है और क्या कहते हैं रेस्पिरेशन भी कर रहा है। ह्यूमंस में क्या आता है, फेरेनेक्स में, लेट मी शो यू, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, तो अगर ये बंदा है, सपोज बहुत गंदा सा बंदा बनाया मैंने, ये उसका मुंह है, ये नीचे को जा रहा है, ठीक है, ये उसकी नेक है, तो अगर लेट मी शो इन डिफरेंट कलर, ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये नाक है इसका, नोज है ना, ये देखो नोज है इसका, यार कर नहीं रहा,
ड्राइंग तो मन की भावनाओं को समझा करो यार, ये माउथ है, ये तो बीक सी बन गया, तुम्हें चोच सी बना दी। चलो एनीवेज, तो यहां से जो आ रहा है ये सारा क्या है, फेरेनेक्स। तो नाक से आ रहा है तो नेजो फेरेनेक्स, मुंह से आ रहा तो ओरो फेरेनेक्स, गले यहां से जिसका कान है, कान के नीचे जहां से आप बोलते हो, तो वो आया लरिंजो फेरेनेक्स, ठीक है ना। अब ये फेरेनेक्स आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। फेरेनेक्स आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, स्पेशलाइज किस में हो जाएगा, ट्रीकिया में, और एक बन जाएगा आपका ईसोफेरेनेक्स, ठीक है। इसको बोलते हो विंड पाइप, ठीक है, और इसको बोलते हो फूड पाइप, ठीक है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंशिएशन हो रही है, इसी तरह इसको बोलते हैं। और फेरिंजिक्स का क्या बेसिकली काम होता है, खाना भी पहुंचाना और पाइप भी पहुंचाना, मतलब रेस्पिरेशन भी करना और डाइजेशन भी करना, ठीक है। इसी तरह अगर हम फ्रिंजल गिल स्लिट्स की बात करते हैं, गिल्स का क्या काम होता है, रेस्पिरेशन करना, फ्रिंजिस का क्या काम होता है, फूड का काम करना, तो ये डिफरेंशिएटेड होता है, इसलिए बोलता है तो फ्रिंजल गिल स्लिट्स। डन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट नाउ, बताओ। हाँ बस ये छोटी छोटी चीजें याद रखा करो, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज एट ऑल, बाकी चीजें सब क्लियर हो जाती हैं। तो फाइलम को डेटा आगे भी इसको डिफरेंशिएटेड कर देते हैं इनवर्टिब्रेट्स को, जैसे अगर हम यूरो को डाटा बोलते हैं, सफेलो को डाटा बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, फर्क क्या है, अंतर हमें इतना कुछ याद नहीं होना चाहिए, अगर इट्स ओके अगर आप नहीं भी याद रखते हो। बेसिकली यूरो को डाटा में क्या आता है, नोटोकुल्स प्रेजेंट इन द लार्वल टेल, टेल में ही प्रेजेंट होती है, बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्ट मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन, ठीक है, एक्सक्लूसिव मिलिन हर्माफ्रोडाइट होते हैं, सीडिया जैसी, ये अगर आप बात करते हो अर्ली कॉर्डेट्स की बात करते हो, तो कॉर्डेट्स भी अर्ली कॉर्डेट्स आते हैं, फिर उसके बाद हायर लेवल कॉर्डेट्स आते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल के कॉर्डेट्स आते हैं, ठीक है जी। तो यूरोकॉर्ड बड़े अर्ली टाइप के कॉर्डेट्स होते हैं, होता कुछ नहीं है इनमें, सिर्फ अर्ली लार्वल स्टेज में ही नोटोकोड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इफ यू नॉट रिमेम्बर इट्स ओके। नोटोकॉर्ड फ्रॉम टेल हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, अब पूरे लाइफ में रहना शुरू कर दिया, अगर आप ये बात करते हो, लैंसेट हो गया, अरले जो होते हैं, ठीक है ना, ये भी मरीन होते हैं, फिश लाइक बॉडी है, फिश नहीं है, याद रखो, फिश लाइक बॉडी है, जिसमें भी हेड से लेके टो तक एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अभी वो नोटोकॉर्ड कार्टिलेजनस से भी नहीं है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं, उसको प्रोटेक्शन के लिए नहीं है कोई चीज, ठीक है ना, नोटोकॉर्ड है सिंपल बना हुआ, ये चीजें होती हैं। आगे चलते हैं, अब जो इससे ऊपर वाला लेवल आएगा दैट विल बी फिशेस, ठीक है ना, जिसको आप पढ़ते हो प्रो फिश। अब ये दिख रहा है आपको, मैंने आपको बताया था वर्टिब्रेट जब पहले 3 वीक का होता है, इट विल बी सब एक जैसे ही लगेंगे, अगर आप फिश का रख दो, अगर आप टाइगर का रख दो, एक लेपर्ड का रख दो, कैमिलियन का रख दो, फ्रॉग का रख दो, फिश का रख दो, ह्यूमन का रख दो, ठीक है ना, दे विल बी लुक लाइक दिस, क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स आएंगे तो ये आपको दिख रहा है ये क्या है, समझ रहे हो, ये आपका बाद में ब्रेन बन जाएगा, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा, और ये क्या है, नोटोकॉर्ड है, ये रेड वाला बीच वाला नोटोकॉर्ड क्या डिफरेंशिएट कर जाएगा, अब ये नोटोकॉर्ड आपका वर्टिब्रा बना देगा, ये वाला मणका जिसको बोलते हो पंजाबी में, ठीक है। और इसके आगे क्या पड़ा होता है, ये देखो फेरेनेक्स, और फेरेनेक्स जो गिल स्लिट्स हैं, अगर ये फिश है तो ये इसको गिल्स बना देंगे, ठीक है, और एलिमेंट्री क्लार बना देंगे, अगर ये ह्यूमंस हैं तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा आगे जाके, मैंने अभी बताया आपको ट्रेकिया में और विंड पाइप में, और ट्रेकिया में और जो उसका बोलते हैं इसोफेगस में, फूड पाइप में, ठन, उसके बाद आगे ट्रेकिया आगे जाके लंग्स में चला जाएगा, और फूड पाइप जो है वो आपका कहाँ जाती है, स्टमक। डन, डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर लग गया। और हार्ट में भी देखो, इसके बाद हमने वर्टिब्रेट्स में ये सारा कुछ पढ़ना है, पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन तीनों में हार्ट भी इस तरह से एवॉल्व आउट हो रहा है, अगर ध्यान से देखो तो पहले फिश में क्या है कि कोई सेपरेट चैम्बर नहीं है, आपको बताया था ना मैंने जब करवाया था सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, मैंने कहा था कि फिश में कोई सेपरेट चैम्बर नहीं होता है, ठीक है ना, धीरे धीरे एम्फीबियंस जब आएंगे तो सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कहाँ की ऊपर ऊपर नीचे लेवल में, वर्टी वर्ट जो है वेंट्रिकल लेवल में कोई भी
डिफरेंशिएशन नहीं है। जैसे जैसे रेप्टाइल आएंगे, बर्ड आएंगे, ये इवॉल्व आउट हो रहा है सिस्टम, समझ रहे हो? मोर क्लोज सिस्टम बन रहा है, ओपन से क्लोज सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, डन। और जैसे हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट हो जाता है, डोर्सल नोटोकोड आ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं एक फीचर्स लिखना चाहूं वर्टिब्रेट्स के, क्या क्या होते हैं? नोटोकोड होती है, यस। क्या डोर्सल हार्ट होता है? नो। डोर्सल नर्व सिस्टम होता है, या नर्व कॉर्ड होती है, या स्पाइनल कॉर्ड होती है। वेंट्रल क्या होता है? हार्ट होता है, मस्कुलर हार्ट होता है। किडनी होती है, यस। किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन आ जाएगी। अपेंडेजेस होंगे, यस। अपेंडेजेस हो गया, दो हाथ, दो पैर, दो फिन्स, ये सारे क्या अपेंडेजेस चलने के लिए जो हेल्प करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात अभी? ये ठीक है, वी हैव डन टिल दिस नाउ। ठीक है, यही मैं आपको, ये मैं डायग्राम ढूंढ रहा था जो मेरे को पहले नहीं दिखा, बट अब आपको मैंने बता दिया ये सारा कुछ। ठीक है, तो वी हैव डन अप टिल हेयर सब फाइलम वर्टिब्रा, वी हैव डन। अब ये वर्टिब्रेट्स को आगे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो कि जॉलेस हो, चाहे को जैसे कि जिनका जो कोई जॉ ना हो, अपना फर्तर दांत ना हो, वो सिर्फ चूसते हैं, उसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा क्लास में। इसमें आते हैं ये प्रो इसी कारणवश ये थोड़ा सा इशू आ रहा। लेट मी चेक इट ओवर हियर। अब ठीक है, ओके, एवरीवन ओके, ओके ना? ठीक है, तो साइक्लोस्टोमाटा आता है, जो ये जो आपने देखा होगा, कभी आपने अगर इसको देखा हो, शार्क को, तो शार्क के साथ ना एक फिश रहती है हमेशा, फिश प्रो फिश का नाम होता है। वो क्या करती है, जब ये शार्क किसी जीव जंतु को खाती है, अगली कोई फिश को खाती है, तो जो टुकड़े बाहर गिरते हैं ना, उनको ये खाती है, साइक्लोस्टोमाटा। तो इसके साथ में ही रहती है, इसका नुकसान नहीं करती, इनके साथ में वो उनको पकड़ के रहती है। ठीक है ना, तो ये होती है साइक्लोस्टोमाटा। वर्टिब्रा में होते हैं जिनके पास जार्स होते हैं, गनास्टोस्टोमाटा। ठीक है ना, ओके। तो ये क्या होता है, अब ये फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है, ये सुपर क्लास में डिवाइड हो जाती है, यानी कि जिनके फिन्स होते हैं, जिनके फिन्स नहीं, जिनके लिम्स होते हैं। फिन्स और लिम्स का इशू समझ रहा हूँ आपको बेटा। अब ठीक है, क्लियर आ रही है आवाज? हेलो, ओके। तो गनाथो में क्या मतलब होता है, जिनका जॉज होता है, हमारे जॉज हैं, तो वी आर गनाथोस्टोमाटा। ठीक है ना, ये फर्दर सब क्लास है अंडर वर्टिब्रा। अब इसके फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं, सुपर क्लास पाइसिस। पाइसिस का मतलब जो कि फिन्स होते हैं जिनके, ठीक है ना, जैसे ये फिन्स है ना, ये देखो ये फिन्स है, ये फिन्स है, फिन्स होते हैं वो। ठीक है ना, जो बियर करते हैं फिन्स, और जो बियर करते हैं लिम्स। लिम्स का मतलब हाथ और पैर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, जिनके हाथ पैर होते हैं, जिनके फिन्स होते हैं। अब जिनके फिन्स होते हैं वो अदर फर्दर दो तरीकों में डिवाइड करते हैं, बोनी फिशेस, कार्टिलेजनस फिशेस। ये कार्टिलेजनस फिशेस हैं, जिनको बोनलेस फिश बोलते हैं। ठीक है ना, बोनलेस फिश। और ये होते हैं ऑस्टियो का, जहां पे ऑस्टियो आ जाएगा उसका मतलब होगा बोन, जहां पे कॉन्ड्रो आ जाएगा उसका मतलब होता है कार्टिलेज। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जिनका
जो आपका वर्टिब्रे हैं वो कार्टिलेज से बने होंगे, दैट विल बी गोन्ड्रियोसाइथेसिस। ऑस्टियोथाइसिस कौन से होते हैं, थाइस कौन सी होती हैं, जिनका बोन होता है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, डन। तो दे कम अंडर द डिवीजन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज में आपका आएगा जो बड़े बड़े होते हैं आपके फिश, जो ये वाले होते हैं व्हेल्स आ जाते हैं आपके, शार्क आ जाती है, सारी के सारी दे आर कार्टिलेजनस। ओके, नेक्स्ट आता है टेट्रा पॉडा। टेट्रा मतलब चार, पॉडा मतलब फुट, मोस्टली 4 फुट, यस, डॉल्फिन आल्सो। तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवी एंड मैमल्स, ठीक है, इनमें फर्दर डिवाइड किया जाता है इनको, जिनके 4 लिम्स होते हैं। अब ये जो एम्फीबिया है या रेप्टिलिया है, ये एवीज है, ये मैमल्स है, ये आपको पता है एम्फीबिया किसके हैं, जो कि बोथ वाटर में भी रह सकते हैं और आपका टेरिस्ट्रियल भी रह सकते हैं, सॉयल में भी रह सकते हैं। रेप्टिलिया यू नो, ठीक है, रेप्टिलिया कौन से होते हैं, इनकी अपनी एक वो होती है, लिम्स होते हैं मतलब चलने के लिए, ठीक है ना। एवीज होते हैं जिनको उड़ते हैं बेसिकली, आपको पता है लिम्स होते हैं। मैमल्स का आपको डिफरेंशिएशन पता है, यस, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड ये हो गया। नाउ वी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेस ऑफ वर्टिब्रा। वर्टिब्रा किस प्रकार के, देखो है ना, वर्टिब्रा है, हर प्रकार के वर्टिब्रा यहाँ पे, एक्सोस्केलेटन, इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है बेसिक ढांचा, इसके ऊपर अब स्पेशलाइज टिश्यू होगा, यहाँ पे मसल्स आएंगे, ठीक है, स्किन आएगी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है ना, ये बेसिक एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन मतलब पिंचर, पिंचर, यस, बिल्कुल पिंचर। तो हमने अगर पढ़ा वर्टिब्रा साइक्लोस्टोमाटा में ये चीजें आती है, देखो ये सकर फिश दिख रही है, सकर फिश बोलते हैं इसको, सकर फिश, ठीक है ना। तो एक्टो पैरासाइट ये होते हैं एक तरह के, एक्टो मतलब बाहर होते हैं, पैरासाइट मतलब जो फिश फिश के बाहर एक्टोसाइट्स होते हैं, ये फिश के पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बता दिया, कार्टिलेजनस होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ होता है, समझ, इतना ही करवाना है आपको, बस इतना ही समझना है। उसके बाद आता है हमारा पास कार्टिलेजनस फिश और बोनी फिशेस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, जो बियर होते हैं, है ना। इनमें और क्या अंतर होता है ये हम देख लेते हैं। मरीन होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, प्रीडेशियस होते हैं, प्रीडेशियस मतलब प्रीडेटरी होते हैं, टॉप क्लास प्रीडेटर्स होते हैं। शार्क जो है वो टॉप क्लास प्रीडेटर है, सबसे ऊपर वाला प्रीडेटर है, आपको मैंने बताया था। इसमें एंडोस्केलेटन होता है जो कि कार्टिलेज का बना होता है, हमेशा याद करना। और जो मच्छियां होती हैं उनमें जो मोस्टली होता है वो बोनी एंडोस्केलेटन होता है। डन, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। हम पहले भी करके आया, मरीन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, जो जो ये होते हैं शार्क है वो मोस्टली मरीन ही होती है, दे आर नॉट फ्रेश वाटर्स। ओके, ये एक डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होता है। और क्या हम कर सकते हैं डिफरेंशिएटिंग फीचर्स, नो एयर ब्लैडर, ठीक है, तो इसको ये स्विम करना ही पड़ता है, ये बैठ नहीं सकती है, ठीक है। तो एयर ब्लैडर का क्या मतलब होता है, अगर एयर ब्लैडर होगा तो एयर ट्रैप करके आप रेस्ट भी कर सकते हो, एक जगह पे खलो भी सकते हो, लेकिन इनको क्या है, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता, सो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। अगर ये मतलब ये बैठ जाएंगे तो ये डूब जाएंगे, ठीक है ना, सीधी सी बात है। एयर ब्लैडर होता है, ये बुएंट होते हैं जो फिशेज होती हैं खास करके, ठीक है जी, चले आगे। चलो आगे चलते हैं फिर, और क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होता है, बस ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं या ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोनों पोलियो किलोथमसा यानी कि कोल्ड ब्लडेड है, इसका क्या मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन दिस पोलियो किलोथम्स एंड, ये क्या होता है, ये बेसिकली होता क्या है बताइए, किसी को पता, लेट मी शो यू इफ आई हैड द पिक्चर, लेट मी शो यू। तो कोऑर्डिनेट्स हो गया था हमारा, हाँ, तो बेसिक कंसेप्ट्स बिफोर वी कम इनटू दिस थिंग इज, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू।
अब आपको स्क्रीन दिखेगी, देखना बेटा। लेट मी शेयर। इसमें बेसिक कंसेप्ट, इसमें हम ये सारा कुछ करके आ देखे। वर्टिब्रा हम पढ़ के आ रहे हैं, एक नेथा, उसमें साइक्लोस्टोमाटा आते हैं, कॉन्ड्रोस्टो, और ये हम पढ़ रहे हैं। अब हम सुपर क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं। ये समय लग रहा है आपको? आप देखो, एनिमल्स, पॉरीफेरा, फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किन किन में होती है, सीलेंट्राटा, पैलेथी हेलमेंथेस, ठीक है ना? ये हम सारा कुछ करके आ चुके हैं, ठीक है? ये सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं हम, ठीक है ना? ये देखो नेमाटोडा, ठीक है, इसको आपने एशलमेंथिस भी बोला था, सीडोसीलम में, सीलोमेट्स में हमने पढ़ा था, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, क्या डिफरेंशिएशन फीचर होता है ये आपको बताया, ठीक है, नोटोकोड और कोडेट्स, ठीक है ना? ओके, देन एकिनोडर्माटा, बीच में क्या आएगा, हेमिकोडाटा, और फिर नोटोकोड्स। कोडेट्स के आगे हमने डिवीजन की, प्रोटोकोडेट्स और वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना? ओके डन। तो उसके बाद हमने बात की है वर्टिब्रा में फर्दर, पाइसेस, एम्फीपियन, एरेप्टिलिया, एविस एंड मैमल्स, इसमें क्या डिफरेंशिएशन फीचर्स होता है सब में, अब हमने वो देखना है। एक्सोस्केलेटन में क्या होंगे आपके पास स्केल, एक्सोस्केलेटन में आपके पास स्केल होंगे। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन और कार्टिलेज एंड ब्रीदिंग इज थ्रू गिल्स, ये पाइसिस का मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर है। एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, यू शुड नो व्हाट आर दीज थिंग्स, ठीक है? एंडोस्केलेटन जो अंदर है, एक्सोस्केलेटन जो बाहर है। तो एक्सोस्केलेटन ये वाला होता है बाहर वाला, एंडोस्केलेटन इज जो अंदर है, ठीक है ना? तो अंडर का आपका बोन का बना होता है, बाहर इसका स्केल्स लगे होते हैं। अगर आप मच्छी देखी हो तो बाहर स्केल्स देखे होंगे आपने, देखे कभी मच्छी इसके स्केल? हाँ हाँ समझ लगी ना आपको? यस, तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं अभी। गिल्स इन लार्वा, लंग्स इन मोस्टली, इसमें लार्वा भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं और लंग्स भी होता है, ये दोनों वो चीजें होती हैं एम्फीबियंस में, ठीक है। एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स एंड लेइंग एग्स आउटसाइड वाटर, रेप्टिलिया में क्या होता है, रेप्टाइल्स जो होते हैं बेसिकली ये एग ले करते हैं, ठीक है, और एक्सोस्केलेटन में ये वाटर के आउटसाइड करते हैं। पहले तो वाटर में, एम्फीबियंस तो वाटर में करते हैं, रेप्टिलियंस क्या करते हैं, लैंड पे एग ले करते हैं। एक्सोस्केलेटन एविज में क्या होता है, वो भी क्या कहते हैं, ये इनमें फेदर्स होते हैं, ठीक है। अब बाहर, अगर बाहर की बात करें एक्सोस्केलेटन में, इनमें अब क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, ठीक है ना। आउटसाइड वाटर में ये एग ले करते हैं, मतलब फ्लाइट भी इसमें पॉसिबल है। और मैमिलिया में क्या है, इसमें हमारे यहाँ पे एक्सोस्केलेटन किसका होता है, हेयर का होता है, और एक्सटर्नल क्या होते हैं, हमारे ईयर्स होते हैं, एंड वी गिव बर्थ टू यंग वंस, ओके। तो यहाँ पे ओविपेरस और विविपेरस का भी चक्कर होता है। अब ये क्या चक्कर होता है, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस आर नोन एज विविपेरस, जो एग ले करते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस, वी डू नो ना दीज थिंग्स, ठीक है। तो उसके बाद होता है, ये क्या होता है जी, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का क्या कंसेप्ट है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। वार्म ब्लडेड बेसिकली, या इसको एंडोथर्म्स भी बोलते हैं, या इसको होमियोथर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसका सेम मीनिंग होता है, ये सारे एक ही टर्म की बात है। और अगर कोल्ड ब्लडेड बोलते हो, या एक्टोथर्म्स बोलते हो, या पोयोकिलोथर्म्स बोलते हो, ये सारी एक तरफ की, ठीक है। सारे के सारे मैमल्स एंड बर्ड्स विद फ्यू एक्सेप्शंस, वी ऑल आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कौन से एक्सेप्शंस हैं, बैट्स, रैट्स हो गया, ठीक है, एक्टिनाइड्स हो गया, दे कैनॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, सॉरी, बॉडी टेम्परेचर को जो रेगुलेट ना कर पाए, दे आर नोन एज पोयोकिलोथर्म्स, ठीक है, ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो सारे के सारे रेप्टाइल्स हो जाएंगे, इंसेक्ट्स हो जाएंगे, एरेक्निड्स आ जाएंगे, एम्फीबियंस आ जाएंगे, एंड फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मीनिंग क्या होता है, देयर टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एक मच्छी को हम, इफ ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल इज टेकन टू इक्वेटर, इट्स बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, एंड इफ इट इज टेकन टू द पोल्स, इट्स बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है, ओके। तो इनको टेम्परेचर का कोई फंडा फुंडा नहीं होता है, लेकिन हमारे में हम मेंटेन करके रख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, दे मेंटेन ए कॉन्स्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर,
ठीक है, इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको जब फिजिक्स की क्लास कराई थी थर्मोडायनेमिक्स की, तब मैंने करवाई थी कि आपके हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं लेकिन आपका पेट कभी ठंडा नहीं होता, आपकी छाती कभी ठंडी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे क्या पड़े हैं, आपके वाइटल ऑर्गन्स पड़े हैं। याद है मैंने आपको करवाया था ये, यू नो दिस बच्चों, समय लग रहा ठीक है ना, अब समय लग रहा आपको जो मैंने वहां पे चीज, वी आर कोलैबोरेटिंग फिजिक्स विद बायोलॉजी नाउ, ठीक है। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं दे कैन सर्वाइव इन अ वाइड एनवायरमेंट्स, ठीक है ना, बिकॉज दे आर एबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बट जो ये पोयोकिलोथर्म्स होते हैं या जो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव इन ए वाइड वराइटी ऑफ एनवायरमेंट, क्यों, क्योंकि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपना बॉडी का, अगर हम अंटार्कटिका में भी चले जाएं जहां पे -50 डिग्री टेम्परेचर है, वी कैन सर्वाइव आउट एज देयर, वो तो है, हमारे में स्किल भी है, बट मोस्टली अगर इतना एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में नहीं, मतलब अगर आप ट्रॉपिकल से, अगर आप कनाडा में जाते हो, यहाँ पे हम ट्रॉपिक से हम कनाडा में जाते हैं, तो आप डेथ नहीं हो जाती है एकदम से जाके, तो वी कैन सर्वाइव इट ओवर देयर एज वेल, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो रेगुलेटेड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ फूड फॉर देयर सर्वाइवल, ऑफकोर्स दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ फूड फॉर देयर सर्वाइवल, वाई, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द फूड जो कंज्यूम करेंगे वो दैट विल बी यूज टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। थैंक यू, समय लग रहा बेटा। मोस्ट ऑफ द फूड इज कन्वर्टेड इनटू बॉडी मास, सो दे नीड लेस फूड कंपेयर टू द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। तो अगर आपने मच्छी देखी हो तो मच्छी में भी जो मैक्सिमम होता है उनका मास ही होता है, तभी बोलते हैं कि फिश खाओ, क्योंकि फिश में आपका बॉडी मास जो उसमें फैट की रेशियो है बहुत कम होती है। कभी सुना, कभी ऐसा देखा, फिश खाने से आपकी, आप फिश नहीं, जब आप फिजिक्स फिश फिश खाते हो सॉरी, उसमें फैट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा क्या होती है कि नहीं होती है, बताइए, समझ रहे हो ना मेरी बात, और सॉरी व्हाट वाज ट्राइंग टू डू, यस, ये भी नहीं, ठीक है ना। तो ये फूड लेस कंसेंट्रेटेड होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं बात कर रहा हूं कि भैया जी, दिख तो रहा है ना, हाँ, तो भैया जी अगर आपको फिश खानी है या चिकन खाना है तो किस में ज्यादा फैट होगी, चिकन में या फिश में, चिकन में ऑफ कोर्स, इसीलिए इट इज मच मोर प्रेफरेबल फूड कि अगर आप फिश खाते हो, बिकॉज फिश में कम खाना खाते हैं तो वो ज्यादा स्टोर करके रखते हैं अपना, ठीक है। चिकन में क्या है कि इनके पास खाने की भरमार होती है, तो आपको मैंने बताया आपकी बॉडी ग्लूकोज फैट और प्रोटीन में स्टोर करके रखती है एनर्जी अपनी, इनमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है, फिश में फैट कंटेंट कम होता है, हाई प्रोटीन होता है, ठीक है जी। फिश फूड्स, इसीलिए सी फूड्स का बहुत ज्यादा चलन होता है आजकल, ठीक है। और क्या मैं बताने वाला था आपको, लेट मी शो यू, हाँ, और क्या डिफरेंशिएशन होती है, ये भी आपको बता दिया, बोथ आर एक्टिव इन वार्म एंड कोल्ड एनवायरमेंट्स में जाके सर्वाइव कर सकते हैं, ये मोस्टली जो होते हैं दे आर एक्टिव इन वार्म एनवायरमेंट, ठीक है ना, ओके, दे आर वेरी स्लगिश इन कोल्ड एनवायरमेंट, तो स्लगिश हो जाते हैं मतलब इतने एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ठंडा करने के लिए जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं लाइक, उनके पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो जो आपने एनिमल्स देखे हैं लाइक एलिफेंट, वो अपने ईयर्स को हिलाते रहते हैं, वो अपने आप को ठंडा करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स में अपने आप को ठंडा, ठंड से बचाने के लिए, क्योंकि वो वार्म ब्लडेड हैं, उनको अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो माइग्रेटरी बर्ड्स देखे होंगे आपने, ठीक है ना, जो साइबेरिया से आते हैं। अब ये देखो इकोसिस्टम किस तरह से एक इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है, बर्ड्स आते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मोस्टली दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो दे कैन रेगुलेट देयर टेम्परेचर, बट क्योंकि टेम्परेचर, वो साइबेरिया में रह रहे हैं, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो रहा है सर्दियों में,
वो कहाँ आते हैं? ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिकल कंट्री में या सब ट्रॉपिक्स में, इंडिया में। इंडिया में भी वो कहाँ रुकेंगे? वेटलैंड एरिया में, वेटलैंड्स में। वेटलैंड क्या होती है भैया? वेटलैंड कोई भी छप्पड़, कोई भी ऐसा जगह जहां पे 18 फुट से ज्यादा पानी ठहरता है 7 दिन से ज्यादा, दैट इज क्लासिफाइड एज वेटलैंड्स। ठीक है, अब जो ये वेटलैंड्स हैं, क्योंकि हमने इंडिया में ग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमने वो सारे के सारे वेटलैंड कर दिए खराब। वेटलैंड जहां पे होएगा वहां पे मोस्टली पोंड इकोसिस्टम होगा, आपको पता ही होगा। पॉन्ड इकोसिस्टम में फिश आएगी, फिश के बाद छोटे छोटे और बड़े क्लेल्स आएंगे, फलाना फलाना, पूरा एक इकोसिस्टम होता है। जब हमने ये इकोसिस्टम खत्म कर दिया है, क्या वो आपके पास आएंगे? अब आप सीजनल फिश आएंगे, सीजनल नहीं आएंगे ना। ठीक है, तो ये एक तरह का इकोसिस्टम होता है। तो वेटलैंड जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा आपके पास यस यूट्रोफिकेशन। अब देखो सारा इकोसिस्टम उस पर डिपेंडेड है। ठीक है, एल्गी को खाएगा क्रिल, ठीक है, क्रिल को खाएगा आपका फर्दर छोटी फिश, फिश को खाने के लिए अब आएंगे आपके पास बर्ड्स। ठीक है, अगर कोई भी इनमें से चीज डिस्टर्ब होती है, बर्ड्स अगर नहीं आते हैं तो फिश ज्यादा हो जाती है, फिश ज्यादा हो जाती है, ज्यादा क्रिल खा लेती है, ज्यादा क्रिल खा लेगी तो ज्यादा एल्गी आ जाएगा। एल्गी को कंट्रोल कौन करेगा? एल्गी ज्यादा हो जाएगा तो वह सारा कुछ डेड कर देगा, पूरा। नॉट फूड चेन, हाँ यस, फूड चेन, नॉट फूड चेन, फूड वेब विल कोलैप्स। यस, फूड वेब विल कोलैप्स। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, तो दैट इज व्हाई आवर गवर्नमेंट इज डूइंग सो मच। अभी हमने 42 वेटलैंड्स को नोटिफाई कर दिया, पहले 30 थी और पिछले साल ही 12 और ऐड की गई है। पिछले साल ही 12 वेटलैंड्स को और नोटिफाई किया गया अंडर रामसर कन्वेंशन। तो वी आर कनेक्टिंग इन्वायरमेंट इकोलॉजी विद अवर बायोलॉजी एंड बायोलॉजी। समय लग रहा है? बा बायोलॉजी को कनेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये कर रहा हूं कि भैया जब आप आंसर लिखोगे तो ये भी आप इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हो अपनी चीज को व्याख्यात करने के लिए, अपनी चीज को एम्फसाइज करने के लिए कि हाउ डेलिकेट द सिस्टम इज। और हम अगर किसी चीज को भी डिस्टर्ब, अब ट्रॉपिक्स में जाते हैं तो ट्रॉपिक्स में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे वार्म हो गया है, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग आने से क्या ट्रॉपिक्स में और ज्यादा हीट हो जाएगी? ठीक है, जब और ज्यादा हीट हो जाएगी तो वेटलैंड्स अपने आप डिक्रीज होएंगे, वेटलैंड डिक्रीज होएंगे तो पूरे का पूरा सिस्टम फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, समझ लग रहा? तो ये सारी चीजें आर इंटरलेटेड। यू कैन अपने इसको, और मेरा आपका यही होमवर्क होता है कि इसको और अच्छे से निखार के ना फ्लो चार्ट बनाओ, इस तरह से बनाओ कि अगला बंदा इंप्रेस हो जाए। ये तो मैंने बहुत क्रूड सा एक एग्जांपल दिया है, बट इसको और रिफाइन कर सकते हो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओ कि कंसेप्ट ऐड होते जाएंगे, कंसेप्ट ऐड होते जाएंगे। कनेक्ट करो उसको, ऑलवेज स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स नाउ। अगर आप कनेक्ट डॉट नहीं करते हो, आपने बचपन में एक वो होमवर्क देते थे आपको मैडम, मैडम कहते थे कि जो आर्ट की एक बुक आती थी उसमें डॉट्स ऐसे लगी होती थी और डॉट्स को कनेक्ट करते आप एक फिगर बनाते थे, याद है? ये फिश है या ये बर्ड्स हैं। तो ट्राई टू फॉर्म आइडियाज लाइक दैट, ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। अगर आप इन सबको देख के पढ़ोगे तो इट इज सो इजी। अच्छा यार ये भी तो कंसेप्ट है, फिर आपको लगेगा यार ये डिफिकल्ट कोई नहीं है यहाँ पे चीज, इट्स ऑल इजी। ठीक है, तो हमने अभी तक ये सारा कुछ कर लिया है, हमने वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में डिफरेंस कर लिया है, हमने ओवी पैरस और बीवी पैरस के बारे में पढ़ लिया है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि सेक्सेस जो इसमें होता है, सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें भी सेक्सेस आर सेपरेट, बोनी में भी और कार्टिलेज में। इन मेल पेल्विक फिन बियर्स क्लास्पर्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है एंड दे आर वीवी पेरस। याद रखो सारे के सारे जो ये होते हैं ना शार्क, शार्क में क्या होता है? डिस्टिंक्ट सेपरेट सेक्सेस होते हैं मेल एंड फीमेल। दूसरी बात क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। आज तक हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ये भी देखो फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, मोस्टली जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी वो विल बी ओविपेरस, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी दैट विल बी पीवीपेरस, यानी कि वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जन्म कहाँ से देते हैं? अंदर ही अपने रखते, ठीक है ना, ये बाहर रख के देते हैं। ठीक है, सेक्सेस दोनों में सेपरेट होते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ?
ठीक है। तो ये सारी फ्लाइंग फिश जो होती है, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स हो गया, फ्रेश वाटर में ये रोहू, काटला और मंगूर होती है, हम पढ़ेंगे और आगे जाके भी। ये फिशेस की वैरायटीज होती हैं। सालमन भी एक फिश की वैरायटी है। एक्वेरियम में आप गोल्ड फिश रखते हो, वो भी एक तरह की फिश की वैरायटी है, वो एक्वेरियम में ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो दीज ऑल आर द समथिंग रिलेटेड टू ये सारा कुछ, ठीक है। ये फिन होते हैं, फिन्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, गिल्स होते हैं या ब्रेन होती है इसमें, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स इज नाउ प्रेजेंट इन ओवर हियर, ठीक है ना, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दिस क्लास विल बी थोड़ा और 30-40 मिनट्स की और चलेगी। रोहू, काटला, यस, ठीक है। अब ये जो टेट्रापोडा होता है, इसमें आपको बता दिया क्या क्या आएगा, ये मैं आपको अब कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा, देखो टेट्रापोडा। अब हम बात कर रहे हैं एम्फीबिया की। एम्फीबिया में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, फोर चैम्बर्ड अभी नहीं आएगा। थ्री चैम्बर्ड का क्या मतलब होता है कि भाई आपके पास ये ऐसा हार्ट आएगा, ये देखो, दो, एक एक लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, और कट्ठा एक ही वेंट्रिकल, देयर इज नो सेपरेशन, ठीक है ना। ब्लड मिक्स इज वेरी गुड सोफिया, ठीक है ना। तो ये एक चीज आती है इसमें। ये पानी में भी रह सकते हैं, आपको पता है, इनके पास गिल्स भी होते हैं, इनके पास अपना ट्रेकिया भी होता है, दोनों तरह से रह सकते हैं। स्किन, ये ज्यादा टाइम कहाँ दिखाएंगे अपना, ज्यादा टाइम ये पोंड के साथ में बटाएंगे। पोंड है, फ्रेश वाटर है, वहां पे जहां पे पानी है वहां पे ज्यादा ये रहना चाहते हैं, ये ज्यादा टाइम सूखा नहीं रह सकता इनके पास में, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो दे आर क्लासिकली एम्फीबियंस, बोथ आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जैसे क्रोकोडाइल भी अगर आप देखो, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स ओवर देयर, ठीक है, चले आगे। हेलो बेटा, आवाज सुनाई दे रही है? ये ओविपेरस होंगे, भी विविपेरस होती है, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो ये ओविपेरस है, ठीक है। गिल्स और लंग्स से और स्किन से ये सबसे अपना रेस्पिरेशन करते हैं, ये आपको बता दिया। सेक्सेस आर सेवन, दे आर पोयोकिलोथर्म्स और वाम यूकिलोथर्म्स, ये आपको बता दिया, ठीक है। दे आर कोल्ड, ठीक है ना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। और क्या हो सकता है? और क्या, ड्यू टू सम रीजन इट इज टेकिंग लॉन्ग टाइम टू एक्चुअली अपलोड दीज स्लाइड्स, तो प्लीज बियर विद मी। इट ओके ना, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा भाई। बस खत्म ही होने वाला, बस बस अभी मेन मेन अभी यही है कि ये सारा कुछ इसमें आता है। ये सेलामेंडर होती है जो, ठीक है ना, ये वाले फिश, ये हाइला हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स, दे ऑल कम अंडर एम्फीबियाज, ओके डन। इसके बाद हमने कर लिया है एम्फीबियंस के बाद, लेट मी स्टार्ट, स्नेक्स, रेप्टाइल्स, ठीक है ना। तो ये जो रेप्टाइल्स हैं उसमें क्या होगा, फोर चैम्बर्ड हार्ट आ जाएगा, जैसे कि क्रोकोडाइल्स का होता है हार्ट। यस, देयर इज अ स्पीसीज, आई एम नॉट श्योर विच स्पीसीज, बट देयर इज अ स्पीसीज विच कैन कैरी एग्स ऑन इट्स बैक। यस देयर इज, मैंने सुना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि दो ऊपर होंगे दो नीचे हैं, लेकिन इनमें जो सेपरेशन है वो कम है, ठीक है। तो ब्लड फिर भी मिक्स होता है, लेकिन उतना मिक्स नहीं होता है जितना कि अपना पाइसिस में, या जितना अगर आप बात करें तो एम्फीबियंस में होता है, ठीक है ना। तो दे आर पोयोकिलोथर्म्स, वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल्स, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, ठीक है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड दे आर स्टिल ओविपेरस, नॉट विविपेरस। अंदर ही डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। अगर ये अंडे देते हैं, लेकिन इनकी
फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई जो मेल है वो स्पर्म्स किसको डोनेट करता है, फीमेल्स को, और फीमेल के बाद वहां पे जाके जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद अंडा निकलता है। तो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ओविपेरस। डन, स्नेक्स भी आ जाएंगे इसमें, अंडे देते हैं, जो ये सारा कुछ आ जाएगा उसमें। आगे चलते हैं, तो ये हो गया नॉन पॉइजनस स्नेक्स भी होते हैं, पाइथन हो गया, क्रोकोडाइल जिसमें आएगा, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है इसी कारणवश। जो एवीज होते हैं, एवीज का मतलब होता है टोड, यस, एवीज का मतलब होता है बेसिकली जो कि पक्षी होते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता, फेदर्स हो जाते हैं, डिफाइड हो जाते हैं, बीक बन जाती है, स्पेशली जो आपके हमारे जो हाथ होते हैं सब कुछ, वो जो हाथ हैं वो पक्षियों में उनका जो हो जाता है वो क्या बन जाते हैं, विंग्स बन जाती है उनकी, ठीक है, फेदर्स आ जाते हैं वहां पे। और कथिंग एस देर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ और आपको नहीं पता होना चाहिए। ये फ्लाइटलेस भी होते हैं, फ्लाइटलेस लाइटलेस बर्ड कौन सा है इनमें से, ये वाला, यस, दे डजंट मतलब उड़ते नहीं है, ठीक है। चैम्बर्ड हार्ट आपको बता दिया, अब ये इसमें कौन सा चैम्बर्ड आएगा, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना भी होता है, ये मैमिलिया की बात कर रहे हैं। मैमिलिया में जब हम बात करेंगे तो फोर चैम्बर्ड हार्ट आ जाएगा, स्किन आ जाएगा, एक्सटर्नल ईयर आ जाएगा, होमियोथर्म्स आ जाएंगे, एक्सटर्नल ईयर होगा जिसको आप पिन्ना भी बोलते हो, बाहर इनके कान होते हैं सुनने के लिए, चलने के लिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ अब डेवलप हो जाएगा, तो ये इसको हम बोलेंगे मैमल्स का, ये सारा करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। डन, दिस सम्स अप अवर वर्टिब्रेट्स एज वेल एज क्लासिफिकेशन, पूरे का पूरा चैप्टर, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डन, अब जो आपने पढ़ना है वो याद रखिए, आपको पढ़ना है, लेट मी स्टार्ट दिस एंडोक्राइन सिस्टम, जो एक रह गया था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, लेट मी कंप्लीटली, इसको जस्ट आधे घंटे में, हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। तो हमने जब पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भी आज मैं इसमें आपको होमवर्क भी दूंगा, और आप सबने मेरे को कंप्लीट करके दिखाना है वो होमवर्क, मैं आपको फंक्शंस कराऊंगा, ठीक है। आपका ये उद्देश्य है कि भाई फंक्शंस तो मैं करा दूंगा, लेकिन अगर वो ना हो या उसका डेफिशियंस हो या उसका हाइपर सेक्रीशन करता है कोई ग्लैंड, तो उसके कारण वर्ष कई बार वहां पे आपको डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसको आप एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स बोलते हो। जैसे कि अगर हम शुगर शुगर की बीमारी है तो उसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज किसके कारण होता है ये भी पता होना चाहिए आपको, इंसुलिन सिक्रीशन क्या होती है उसके कारण जो कम होते हैं उसके कारण होता है। डिसऑर्डर ढूंढना आपका काम है, एक्रोमेगैली, ग्रेव्स डिजीज, कुशंस डिजीज, जो हम मैं आप बताऊंगा बहुत सारी होंगे, ठीक है ना, वो ढूंढना आपका काम है, ठीक है जी। मैं आपको फंक्शन करा देता हूँ, क्योंकि मैंने अब ये सोचा है कि भाई जो बच्चे तो खुद से पढ़ना चाहेंगे, सब कुछ अब आपको खिचड़ी नहीं बना के दूंगा मैं, लून लाल तो अपना डालना शुरू करो अभी आप, ठीक है ना, नमक तो अपने हिसाब से, स्पाइसेस तो अपने हिसाब से डालने की कोशिश करो, ये मैं इतना मेहनत नहीं करूंगा कि अब मैं डिसऑर्डर्स भी लिख के ला के दूंगा आपको, ठीक है। 15 डिसऑर्डर्स आपने लिखने हैं सारे के सारे, एक्रोमेगैली होगी, डवार्फिज्म हो गया, गाइगेंटिज्म हो गया, कुशन सिंड्रोम हो गया, बहुत सारे और सिंड्रोम्स हैं जो आपको लिखने हैं, तो आप खुद से ढूंढो, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है वहां से ढूंढ लो, अगर आपके पास बुक है जो मैंने आपको दी थी 9th और 10th की, क्या कहते हैं, लखमीर सिंह मनजीत कौर, आई विल ट्राई टू अपलोड दैट बुक, वो बुक भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा मैं, मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में है, इस बच्चे को चाहिए होगी, ही और शी कैन ऑलवेज आस्क मी, ठीक है, आई विल ट्राई टू अपलोड दैट एज वेल, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। मेहनत अपनी स्टार्ट करनी शुरू करो थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले हम जब मैंने आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी करवाए थे, तब मैंने आपको आई थिंक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया था, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो कि दोनों फंक्शन करते हैं। मैंने आपको बताया था एक्सोक्राइन मतलब बाहर की तरफ अपना, ये डक्ट ग्लैंड्स होते हैं, तब मैंने बताया था ये डक्ट लेस ग्लैंड्स होते हैं,
ये डक्टलेस होते हैं और ये दोनों होते हैं बोथ, ठीक है ना। ओके, डक्टलेस का क्या मतलब होता है कि जैसे इन्होंने सिक्रीशंस की, ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है कोई, इसने सिक्रीशन निकाली कोई, इसके बाद एक डक्ट होगा, एक पैसेज होगा, एक पाइप होगी, है ना, ट्यूब है ना, तो ट्यूब होगी और ट्यूब से ये जाके यहाँ पे एक्ट करता है जहां पे सिक्रीशन है, यहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है। तो आपके स्वेट ग्लैंड्स है वो कहाँ पे आएंगे, एंडोक्राइन या एक्टोक्राइन ग्लैंड्स, बताइए। बिल्कुल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, क्यों, क्योंकि आपकी स्किन है जो, ये जो स्किन है, ये जो बाल है, बाल के नीचे ही स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, तो बाल के साथ में ही वो अपनी सिक्रीशन छोड़ते हैं, ये क्या करते हैं, स्वेट स्वेट को बाहर निकालते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड फंक्शन ये वाले होते हैं सारे के सारे, और कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड फंक्शन का बताइए। या सैलिवरी ग्लैंड्स, बहुत बढ़िया मुस्कान जी, तो व्हाट आर दे, दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब मेरे को बताओ, ये तो आपको समझ लग गया कि एक डक्ट होती है और जो जहां पे एक्शन होता है, जहां से ये हार्मोन बाहर निकलता है, जो भी इसकी सिक्रीशन बाहर निकलती है, वहां पे बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। टीयर ग्लैंड्स, वेरी गुड शिवम सेठी। एंडोक्राइन में क्या होता है, देर इज डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि जहां पे ये बनते हैं, जहां पे ये क्रिएटेड होते हैं, क्रिएट होते हैं, इनका एक्शन वहां पे नहीं होता है, इनका एक्शन कहाँ होता है, कहीं और पे, दूर जाके किसी ऑर्गन में। सपोज आपका हार्मोन बन रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड में, यानी कि ब्रेन में, लेकिन एक्शन उसका कहाँ हो रहा है, आपके गोनेड्स में, यानी कि आपके ओवरीज में या आपके टेस्टीज में, ठीक है ना, उसी प्रकार थायराइड में है, ठीक है ना। तो एक्शन दूर हो रहा है, कहीं और हो रहा है, और बन कहीं और रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो। तो ये सीधे के सीधे आपके, और ये यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कोई पाइप नहीं है स्पेशली, तो कहां से जाते हैं, ये ब्लड से होते जाते हैं, ठीक है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो सीधा सिक्रीट करते हैं ब्लड में, ब्लड से जाके टारगेट ऑर्गन में, और टारगेट ऑर्गन से वो फंक्शन करा देते हैं। अब जो ये हार्मोन्स होते हैं, ये मोस्टली आपको, मैंने आपको बताया, इसमें पाए जाएंगे, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये क्या काम करते हैं, मैंने बोला ना सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट करते क्या है भैया, सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। ये क्या है, ये है केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। आपको पता होगा कि एक प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी के बारे में आपको पता होगा कि फीमेल्स में पहले आ जाती है, मेल्स में बाद में आती है, ठीक है। तो प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है कि बॉडी के, आप पता है, आपके ब्रेन के पास स्विच होता है कि जब आपको पता है कि एक प्यूबर्टी हिट लग जाएगी, प्यूबर्टी आ जाएगी 14 साल के बीच में मेल्स में, तो टेस्टीज की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है आपकी, ठीक है ना, जो कि बाद में आपका स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। उससे पहले देयर इज इमेच्योरिटी, बच्चों की आवाज डिफरेंट हो जाएगी थोड़े दिनों में, आपको पता लगा बच्चों की आवाज भारी हो जाती है, पहले बच्चों की आवाज बचकानी सी होती है, फिर एकदम से भारी हो जाती है, फिर उनके मूंछें आनी शुरू हो जाती है, जो सेकेंडरी एसेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं, लाइक बाल आना शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी बननी शुरू हो जाती है, आवाज भारी हो जाती है, ग्रोथ बड़ी एकदम से होना शुरू हो जाती है, तो ब्रेन के पास एक पॉजिटिव स्विच लगा होता है। जब तक तो 14 साल से पहले, मतलब 12 से 14 साल होता है नॉर्मली, 12 से 14 साल से पहले ये स्विच ऑफ रहता है, ठीक है। तो इसको, सिस्टम को, टेस्टिस को डेवलप करना, जो सिस्टम है, ठीक है, इसको डेवलप करने के लिए, इस स्विच को ऑन करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा, लेवल बढ़ाने के लिए ब्रेन एक हार्मोन भेजता है, एक केमिकल मैसेंजर भेजता है जो ये स्विच को ऑन कर देता है, उसके बाद मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होती है सारी की सारी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बच्चों? बताइए, ठीक है ना। तो एंडोक्राइन का क्या फंक्शन होता है, बेसिकली केमिकल जो हार्मोन्स की सिक्रीशन करना, और हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये आगे जाके क्या करते हैं, किसी फंक्शन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ठीक है। बढ़ाने का एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने कि भाई आपका टेस्टोस्टीरोन लेवल बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टीरोन लेवल बढ़ जाएगा, उससे टेस्टिस की डेवलपमेंट होगी, उससे आपकी वॉइस में चेंजेस आनी शुरू होंगी, उसमें आपकी ग्रोथ में चेंजेस आनी शुरू होंगी, तो ये चीजें होती है। ये नेगेटिवली इनहिबिट भी करते हैं, लाइक
जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने से खाना खाने के बाद, ठीक है ना, आपकी बॉडी का लेवल एकदम शुगर का बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो शुगर का लेवल कंट्रोल रहे तो आपकी बॉडी क्या, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, इंसुलिन सिक्रीट करती है, याद है, इंसुलिन सिक्रेशन करती है। अब ये इंसुलिन सिक्रीट करती है तो जितना भी ब्लड आपका, ब्लड में ग्लूकोज गया है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकागॉन में। तो ये क्या नेगेटिवली इंपैक्ट करती है, यस, ये इनहिबिट करती है किसको, शुगर आपकी बोला ब्लड में जाने। क्यों, अगर शुगर ज्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा भैया, आपका पूरे का पूरा बीपी बढ़ जाएगा, ऑस्मोरेगुलेशन में चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है, समझ लग रहा है कुछ, ठीक है। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे डिफरेंशिएटेड है एक्सोक्राइन ग्लैंड से, और हेट्रोक्राइन ग्लैंड करते हैं जैसे जो दोनों फंक्शन करते हैं, दे आर एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन की एग्जाम्पल बता दो कोई, बताइए, जो बोथ एड्रीनल ग्लैंड्स और दे आर एक्सोक्राइन इन नेचर। सोफिया, एक्सोक्राइन सिक्रीशंस कौन सी होती है उनकी, पिट्यूटरी ग्लैंड। अरे भैया पैनक्रियाज नहीं पड़ेगा, पैनक्रियाज नहीं बड़े होगा, पैनक्रियाज क्या है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ओवरीज भी है, बिल्कुल ठीक है, डन। जो पैनक्रियाज है आपको याद होगा कि वो डाइजेस्टिव एक वो भी बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिक्रीशंस भी करते हैं और वो इंसुलिन भी बनाते हैं। इंसुलिन इज जो जड़ा होता है वो दैट एक्ट एज एंडोक्राइन हार्मोन, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनके पेप्सिन, रेनिन और बहुत सारे हमने पढ़े थे, तो वो सारे क्या होते हैं, दे आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और वो एक डक्ट के थ्रू, याद है हमने कॉमन बाइल डक्ट पढ़ा था, ठीक है। तो कॉमन बाइल डक्ट पढ़ा था तो वो सारा उसमें एक अपनी सिक्रीशन आपको पैनक्रिया से भी आ रही थी, उसमें मैंने बोला था दे आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये यस अमाइलेज लाइपेज, यस यस वेरी गुड। तो दे आर हेट्रोक्राइन इन नेचर। प्लेसेंटा इज बेसिकली बेटा दे आर नॉट ग्लैंड्स, प्लेसेंटा पर सी, ठीक है ना, दे आर कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द फीटस एंड द मदर, ठीक है। तो प्लेसेंटा हाँ जी काफी वो सिक्रीट करता है लेकिन वो एक्सोक्राइन नेचर होता है मोस्टली, ठीक है, क्योंकि वो एक तो कनेक्टिंग लिंक बना के रखता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हमने ये सारा कुछ कर लिया है, दे सर्कुलेट इन द ब्लड, दे एक्ट एज ए डिस्टेंस टारगेट सेल्स, ठीक है, ये सारा कुछ आप पढ़ लेना, जो मैंने आपको बताया है वही होता है। अब इसकी कैटेगरीज भी होती है, यानी कि हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन भी करी है, कुछ स्टीरॉयड्स होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स पे बेस्ड होते हैं, यानी कि कुछ प्रोटीन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, समझ लग गया। अब आपको ये डिफिकल्टी नहीं लगेगा समझने में, अमाइनो एसिड बेस्ड मतलब प्रोटीन बेस्ड, स्टीरॉयड मतलब फैट बेस्ड, लिपिड बेस्ड, याद है, जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं स्टीरॉयड, सारे के सारे हार्मोन। इसीलिए आप जब स्टीरॉयड खाते हो तभी आपकी बॉडी में ग्रोथ होना एकदम से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन है वो इसको मिमिक करता है, ठीक है जी, डन। तो और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं वो जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है जिनका, प्योरली एंडोक्राइन, दीज आर द प्योरली एंडोक्राइन फंक्शन। अब लग गया समझ, ठीक है, जो प्योरली एंडोक्राइन है, जो प्योरली एंडोक्राइन नहीं है वो ये सारे हैं, हाइपोथैलेमस, गोनेड्स, थाइमस एंड पैनक्रियास, ठीक है, ट्राई टू रिमेम्बर दिस। अभी काफी बच्चे पूछ रहे थे सर ये वाला है कि नहीं है, तो ये आप याद कर, ठीक है, डन, ओके। तो गोनेड्स में क्या आ जाएगा, ओवरीज एंड टेस्टिस, ठीक है, डन। तो दे आर बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन फंक्शन, ठीक है, तो ये याद रखिए, तो ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स में आएंगे सारे के सारे, हेट्रोक्राइन। तो थाइमस नॉट थायराइड, थाइमस इज हेट्रोक्राइन इन नेचर, गोनैड्स, थाइमस आर, हाइपोथैलेमस आर हेट्रोक्राइन इन नेचर, बट पाइनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, दे ऑल आर एंडोक्राइन इन फंक्शन, ठीक है जी, ये प्योरली एंडोक्राइन रीजन है। तो ये आपको क्वेश्चन भी कभी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ओनली प्योरली एंडोक्राइन इन नेचर, ठीक है ना। तो
तो पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, दे ऑल आर प्योरली एंडोक्राइन, और बाकी ये वाले सारे दे आर हेटरोक्राइन इन नेचर। ठीक है जी, डन 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 डन। आगे चलते हैं फिर। अब मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल रिलीज क्या हो सकता है? ह्यूमोरल, न्यूरल और हार्मोनल। ह्यूमोरल का मतलब जहां पे भी होगा वो होगा ब्लड लेवल से, ठीक है ना, ब्लड से, ठीक है ना। तो अगर आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं तो आपकी बॉडी, सॉरी, ग्लूकोज कम हो गया है, सपोज आपने खाना नहीं खाया 2 दिन, ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन हो गया आपकी बॉडी के पास, तो आपकी बॉडी, आपके पास दो ऑप्शन है, क्या आपकी बॉडी इंसुलिन रिलीज करेगी या ग्लूकागॉन। याद रखो, ये मैंने करवाया था आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया था, मैंने कहा था ये दो हार्मोन्स होते हैं, एक सोमाटोस्टैटिन भी होता है पर वो छोड़ो अभी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन आपकी बॉडी, और ये दोनों सिक्रीट करते हैं बाय पैनक्रियास। यस, वेरी गुड सुमनप्रीत कौर जी। इंसुलिन आपकी बॉडी क्यों भेजेगी भैया? क्योंकि इंसुलिन तब भेजती है जब आपके पास ग्लूकोज ज्यादा हो, जब आपने खाना 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 खाया हो तब आप बॉडी सिक्रीट करती है इंसुलिन। लेकिन जब आपने, आपकी बॉडी 2 दिन से भूखी है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम है, तो आपका पेनक्रियास, आपका ब्रेन जो है और आपका पेनक्रियास जो है वो इस चीज को डिटेक्ट करेगा। ओके, वो इस चीज को डिटेक्ट कैसे करेगा? और आपकी बॉडी में क्या लगा होता है? सेंसर्स लगे होते हैं, याद रखना हमेशा। बॉडी को कैसे पता कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नीचे है या हायर है? ऑटोमेटिक है ये फंक्शन, ऑटोमेटिक है ये, आपको चेक नहीं करना पड़ता आपको कि भाई मेरे को ग्लूकोज कम हो गया या मेरा वो कम हो गया तो मैं क्या करूं। तो ये जो सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे आपका बीपी का भी सेंसर लगा होता है आपकी बॉडी में, ठीक है, यहाँ आयोटा है ना आपकी, वहां पे सेंसर्स लगे होते हैं, सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, वो ये डिटेक्ट करते हैं कि प्रेशर कितना है, ठीक है। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वो बढ़ा देंगे, अगर ज्यादा हो रहा है तो कम करने हैं। ये बॉडी का अपना ही मैकेनिज्म है। पंगा कहाँ आता है या प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्योंकि बॉडी का ऑटोमेटिक फंक्शन है, आपको पता नहीं चलेगा। जब बॉडी की वाह हो जाती है, वाह का मतलब होता है जब आपकी बॉडी आपके मतलब थक जाती है कि भैया कितना कंट्रोल करूं मैं, ठीक है ना, तब बॉडी छोड़ देती है अपना, इसको प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तब आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। पीपी की प्रॉब्लम तब आती है जब आपका बॉडी का मैकेनिज्म प्रॉब्लम, इसको डिटेक्ट करने वाला प्रॉब्लम कम हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्रेन है हमारे पास सपोज, ठीक है, दैट इज द कंट्रोलिंग सेंटर, ठीक है। ये हार्ट है आपका, हार्ट के ऊपर ही थोड़े से आपके लगे होते हैं सेंसर्स, बीपी वाले सेंसर्स लगे होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे ही बीपी नीचे गया, ठीक है, एक सर्टेन लेवल से, इट विल सेंड सिग्नल्स टू ब्रेन। ब्रेन क्या करेगी? अब यहां से जो पिट्यूटरी हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन छोड़ेगी, एक पर्टिकुलर पिट्यूटरी हार्मोन छोड़ेगी जो कि आपका कहाँ पे एक्ट करेगा? हार्ट में भी एक्ट करेगा, जो कि आपके बॉडीज के बहुत बहुत सारे ऑर्गन्स पे भी एक्ट करेगा, आपकी बॉडीज के किडनीज पे भी एक्ट करेगा। अगर आपका बीपी लो है, खुद सोचो, खुद सोचो, आपका बीपी है लो, ठीक है, बीपी लो है तो किडनी क्या यूरिन प्रोड्यूस ज्यादा करेगी या कम करेगी? खुद सोच के बताना, यूरिन प्रोड्यूस ज्यादा करेगी या कम करेगी? बीपी ऑलरेडी लो है, कम प्रोड्यूस करेगी। क्यों? बीपी कहां से बनता है? ब्लड प्रेशर कहां से बनेगा? पानी से तो बनता है भैया, ब्लड से बनता है। ब्लड का क्या 70% हिस्सा क्या है? आप पहले भी पढ़ के आए, जब ब्लड कंस्टिट्यूशन पढ़ा था, दैट इज नथिंग एल्स बट वाटर। तो आपकी किडनी को ये बताना कि भैया जी पानी मत फेंको, पानी को कंजर्व करो, पानी को बाहर मत फेंको, यूरिन को बाहर मत फेंको, यूरिन को कंसंट्रेट करो, तो आपकी बॉडी ये एलिमिनेट नहीं करेगी। तो बीपी इसको अपने आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ब्रेन अभी, दैट इज वाई इट इज नोन एज द कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, ठीक है। तो सिर्फ हार्ट को नहीं बोलेगा कि तेज करो भैया अपना जंपिंग, ऐसे ऐसे करो, तो आपको कई बार टस 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 भी दिखेगा होता हुआ, ठीक है ना। जब आप बहुत भाग के आते हो, याद को अगर आपका दिल धड़कता है डम 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 डम, तो हार्ट को बढ़ा देगी। हार्ट बढ़ाने से क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट का रेट बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा एक्ट करेगी किडनी पे, किडनी पे क्या करेगी? यूरिन को बाहर निकालना बंद कर देगी, ठीक है। तो ये बीपी आपका नॉर्मल हो जाएगा, समझ रहे हो?
डन, ये नॉर्मल है, किसी कारणवश ये चीज नहीं हो पाती है, या आपका इतने सालों से प्रॉब्लम चल रही है, आप बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है बॉडी, तो बॉडी का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म प्रॉब्लम आना पड़ेगा। हो सकता है कि वो यूरिन जो आपका रुग रेगुलेट कर पाती थी उससे आप काम होना बंद हो गया, या जो हार्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी उससे काम होना बंद हो रहा है, फिर आप आते हो डॉक्टर के पास। वहां जब हमारे पास आते हो तो हमारे पैसे तभी तो भरते हैं बेटा, हमने कुछ नहीं करना, हमने भी यही काम करना है, हमने आपको डायूरेटिक्स दे देने हैं, या आपने डायूरेटिक्स नहीं सॉरी कम करने के लिए दे देने हैं, एंटी डायूरेटिक दे देने हैं, ठीक है, उससे आपका यूरिन निकलना कम हो जाना है, बीपी आपका, आपको बीपी कम करने के लिए, बीपी को बढ़ाने के लिए हमने दवाइयां दे देनी है, बस इतना ही सी हमारी नॉलेज है, समझ रहे हो, बस इतना ही। कब देनी है, कितने देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, आपकी बॉडी कंस्टिट्यूशन के हिसाब से देनी है, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, और अगर ये ज्यादा काम खराब हो जाए तो हार्ट को कैसी चीज करना है वो भी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वेरी गुड, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ, एंडोक्राइन सिस्टम हाउ इट इज कनेक्टिंग विद एवरीबॉडी एवरीथिंग, ठीक है। तो अब ये मैं बार बार नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है, ह्यूमोरल लेवल्स को कैसे कहते हैं, न्यूरल लेवल्स का मतलब स्टिमुलेशन बाय द नर्व्स इज आल्सो टेकिंग प्लेस, ठीक है ना, तो स्टिमुलेशन कैसे नर्व्स के कैसे होता है बताइए, जैसे अगर कभी आपको चोट लगती है, ठीक है ना, तो चोट लगती है तो आपको दर्द होता है, तो दर्द का जो है सारा सिराक ब्रेन पे जाता है, और कभी आप देखते हो ना जब एकदम पहली जब आपको चोट लगती है पहले 1 घंटा तो बहुत दर्द होती है, लेकिन उसके बाद दर्द अपने आप ब्रेन कम कर देता है, उसी लेवल का दर्द नहीं होगा जब आपको चोट लगी होगी, याद रखना, कभी ऑब्जर्व करना, तो ये आपका बॉडी जो ब्रेन है ना, ब्रेन फिर इसके साथ जैसे आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि चोट लगी है, चोट लगी है ना, तो अब जो बाद में दर्द कम करने के लिए भी ब्रेन एंडोर्फिन्स भेजता है, ब्रेन एंडोर्फिन्स, ये एंडोर्फिन्स जो होते हैं ये ब्रेन एक पेन किलर्स होते हैं, नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, ठीक है, ये भी कौन भेजता है, ये न्यूरल एक्टिवेशन से होता है, उसी प्रकार हार्मोन्स अदर हार्मोन्स भी रेगुलेट करते हैं दूसरे बॉडी के हार्मोन्स का फंक्शन, ठीक है जी, डन, चले आगे, जैसे कि हाइपोथैलेमस, देखो पिट्यूटरी के बारे में आपने सबने सुना होगा, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में होता है, इसके ऊपर एक ग्लैंड और होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी बहुत सारे जो ब्रेन के हार्मोन्स है उनको रेगुलेट करता है, डन, जैसे अगर थायराइड को अगर आपको फंक्शन बढ़ाना हो या कम करना हो तो उसको रेगुलेट करता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को कौन ग्लैंड करता है, कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, उसके भी ऊपर एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, वो ग्लैंड रेगुलेट करता है, डन, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ, बताइए, इट्स ओके, अभी तक समय लग रहा है एवरीवन, गुड गुड गुड, तो ये मैंने आपको हाइपोथैलेमस की लोकेशन बनाई है, ये पिट्यूटरी है, इसके ऊपर ये हाइपोथैलेमस पड़ा हुआ है, देखो सारे का सारा, ये वाला सॉरी लेट मी शो, ये है पिट्यूटरी और ये है हाइपोथैलेमस, ये है थैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, थैलेमस के हाइपोथैलेमस के नीचे पीनियल ग्लैंड सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, डन, ओके ओके ओके, चले आगे, फिर आगे चलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस में तो कंट्रोलिंग आया, वो किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी हार्मोन को, पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी दो डिवीजन होती है, हमेशा याद करना, एंटीरियर जो आगे की तरफ, पोस्टीरियर जो पीछे की तरफ, जो एंटीरियर पड़ी होती है उसमें ये सारे आपको देखने को मिलेंगे, और अगर इतने सारे हार्मोन्स देख रहे हो, ठीक है, इसमें आपको देखना होगा ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये जो होता है ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं, ये ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं, जैसे फलाई स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जहां पे वर्ड स्टिमुलेटिंग आ रहा है, स्टिमुलेट करता है मतलब ये क्या करेगा, ये स्विच को ऑन करेगा भैया, ये स्विच खुद नहीं है, ये स्विच को ऑन करने वाला है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ये एफ एस एच या ए सी टी एच या टी एस एच या एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये चले जाते हैं
आपके ये जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या प्रोलैक्टिन फोलाई स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये स्टिमुलेट करते हैं भैया। जैसे कि अगर आपका साइकिलिंग आती है, पीरियड्स आते हैं जिन लड़कियों को, तो उनको FSH और LH के बारे में पता होगा, ये नॉर्मल मेल्स में भी होते हैं पर इनकी कंसंट्रेशन कम होती है बहुत ज्यादा। फोलाई स्टिमुलेटिंग हार्मोन और बहुत फंक्शन करता है फीमेल्स में, पीरियोडिसिटी लेके आता है, मेंसुरेशन मेंसुरेशन करता है पूरा ना, तो ये हाँ मेंसुरेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए FSH और LH हार्मोन होते हैं। लेकिन उस वो स्विच को ऑन करने वाले के लिए कहाँ से ऑर्डर आता है? पिट्यूटरी से। और पिट्यूटरी को कौन को रेगुलेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस, लग के समझ, जो ब्रेन है बेसिकली, ब्रेन वहां से रेगुलेट करती है सारी कुछ ये स्विच। तो ब्रेन ऑन करेगा तभी पिट्यूटरी ये सब कुछ छोड़ेगा। अब ये स्विच ऑन कर दिया है, स्टिमुलेट करता है, जो स्टिमुलेट करेगा कहाँ पे जाएगा? अब ये करेगा ओवरीज में जाके स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी उसका हाँ जी बिल्कुल। तो ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग FSH, ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड का फंक्शन को स्टिमुलेट करने वाला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन मतलब ग्रोथ को रेगुलेट करने वाला हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। तो ये सारे कच्छ जो है आपको साथ ये है ये पता होने चाहिए, ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं बेसिकली। आप ये याद रख लो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो यार, क्योंकि इसमें ADH और ऑक्सीटोसिन ही आते हैं। ADH जो होता है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। अभी हम पार पढ़ के आए, ADH मैंने बोला ना एंटी डायूरेटिक दे देंगे। जब आपका BP कम हो रहा है तो आपकी बॉडी क्या सिक्रीट करेगी? ADH, ठीक है, एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब होता है जो कि यूरिन की एलिमिनेशन को कम कर दे, कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। तो यूरिन को एलिमिनेशन कम कर देगा तो मतलब पानी अब आपकी बॉडी में रहेगा, पानी आपकी बॉडी में रहेगा तो आप क्या मतलब क्यों रहेगा? थ्रू ADH, ठीक है ना। आपकी पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन सा सिक्रेट करेंगे? ADH, इसको वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है। ऑक्सीटोसिन आपने सबने सुना होगा, ऑक्सीटोसिन अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा है कि अभी एनिमल्स को, जो हमारे एनिमल्स होते हैं जैसे बफेलो, जैसे कि आपका काओ, इनका दूध की क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी कि ये ज्यादा दूध पैदा करें, इनको आर्टिफिशियली ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। हमेशा याद रखना, ऑक्सीटोसिन की जब आप इंजेक्शन लगाओगे एनिमल्स को, जो नॉर्मली इट्स प्रोड्यूस्ड होता है नेचुरली, ठीक है ना, जब एबनॉर्मली लगाओगे दूध की कंसेंट्रेशन तो बढ़ जाएगी भैया। लेकिन ये ऐसा हार्मोन है कि ये आपको दूध से आपकी तरफ बॉडी में एंटर कर जाता है, समझो। जब आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आप में ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी इसके कारणवश। और जब ये हार्मोन्स का एक एक पूरा बेटा अलग से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं इनके, क्योंकि नॉर्मल डॉक्टर इनको समझ नहीं पाते, क्योंकि एक हटेगा ना, एक हिलेगा, अगर एक भी हार्मोन हिल गया सारे हिल जाने। यस यस यस। तो अगर आप वो वाला दूध पी रहे हो, और नॉर्मली ये बहुत प्रैक्टिस कॉमन है हमारे पंजाब में, तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स के जब वो टीके लगा लगा के दूध की क्षमता बढ़ाते हैं, तो जो मिल्क होता है, ये जब आप मिल्क कंज्यूम करते हो तो आपके सारे हार्मोन्स खराब हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि थायराइड, और जैसे जैसे थायराइड है, जैसे बहुत सारी और हार्मोन्स है, जिस सारे के सारे जो ब्रेन के हार्मोन्स है, ये आपकी बॉडी के लेवल पे डिपेंड करते हैं। तो आपका आपका नेचुरल ऑक्सीटोसिन लेवल प्रोड्यूस ही नहीं होगा, सप्रेस्ड रहेगा। और अगर ये ऑक्सीटोसिन लेवल सप्रेस्ड रहेगा तो फीमेल्स में काफी ये देखा जाता है कि आफ्टर कंसीविंग, आफ्टर जब डिलीवरी हो जाती है बेबी की, तो उनमें दूध आना नहीं आता। कईयों में बहुत ज्यादा ये समस्या पाई गई है, और अब ये ज्यादा पाई गई है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि ये कहाँ से समस्या उत्पन्न होती है, ये समस्या उत्पन्न होती है ऑक्सीटोसिन से, जब आप इंजेक्शन, सिंथेटिक एनालॉग इंजेक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन आर गिवन टू द एनिमल्स, ठीक है, उनकी दूध की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और उनमें जो है डिलीवरी करने के लिए, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगाए जाते हैं, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। डन, आर यू गेटिंग दिस बेटा? इसका फंक्शन मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए हैं। TSH मतलब थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड स्टिमुलेट करेगा तो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना,
थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन थायराइड हार्मोन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, थायराइड ग्लैंड ही प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसको स्विच ऑन कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है ना। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड्स जो ट्रॉपिक हार्मोन, जिसको आप बोलते हो फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शंस, ठीक है ना। तो आपके पीछे अगर शेर भाग रहा है तो ये हार्मोन रिलीज होगा, फॉलेस स्टिमुलेटिंग। ये दोनों मेंस्ट्रुअल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। FSH एंड LH ग्रोथ हार्मोन, आपको बता दिया आपकी ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, ठीक है। प्रोलैक्टिन दूध की क्षमता को बढ़ाएगा। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आप में कितना मेलानोसाइट है, या मेलानोसाइट्स बेसिकली आपके स्किन में होते हैं, डार्क कितनी स्किन है वो रेगुलेट करेगा। EDH एंटी डायबिटिक बता दिया, ऑक्सीटोसिन आपको बता दिया, ऑलराइट, ठीक है। दीज आर समथिंग अबाउट पिट्यूटरी हार्मोन्स, टर्न्स ऑन TSH थायराइड। अच्छा, अब ये TSH है ना, ये देखो ACTH जो हम पढ़ के आए, ये सारे कौन से हार्मोन्स हैं, ये सारे कौन से हार्मोन है बताओ, ये सारे हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी के, कौन से, एंटीरियर पिट्यूटरी के, ठीक है ना। अब ध्यान देना मेरी बात से, हाइपोथैलेमस है वो क्या, मैंने आपको बोला हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है ना। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं उनके मैंने बोला था कि भाई कैसे रेगुलेट करेगा, हार्मोन से रेगुलेट करेगा, सीधी सी बात है। तो ये जो हार्मोन छोड़ेगा, जैसे ये स्टिमुलेटिंग था, अब चेंज होकर नाम हो जाएगा रेगुलेटिंग या रिलीजिंग हार्मोन, समझ लो। तो हाइपोथैलेमस को अगर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस क्या चाहता है, देखो हाइपोथैलेमस उसके ऊपर, पिट्यूटरी उसके नीचे और थायराइड उसके नीचे, ठीक है ना। थायराइड का अपना कोई स्विच नहीं है, थायराइड हार्मोन क्या प्रोड्यूस करता है, थायराइड, ठीक है, थायराइड सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बॉडी को कहीं से अंदेशा आता है कि बॉडी में थायराइड की कमी है, थायरोक्सिन, यस सॉरी थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, ठीक है ना। तो बॉडी में थायरोक्सिन की कमी है, तो हाइपोथैलेमस इसको ऑर्डर देता है पिट्यूटरी को कि आप अपना कौन सा हार्मोन छोड़ो, TSH। व्हाट इज SH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन, वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड सोफिया, ठीक है ना, एवरीवन गेट इट, ठीक है ना। तो जो थायरोक्सिन होता है वो हाइपोथैलेमस को फर्दर रेगुलेट करता है, फीडबैक लूप होता है एक तरह का। तो हाइपोथैलेमस जब पिट्यूटरी को बोलेगा कि भैया जी TSH रिलीज करो, तो क्या रिलीज करेगा, TRH, थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, इसी की तरह CRH मींस कॉर्टिकोट्रॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन, GRH means gonadotropic releasing hormone, PRF means prolactin releasing factors, GHRH means growth hormone releasing hormone। तो रिलीज करने का काम सारा कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। बहुत सारा बेटा इसके रीजन हो सकते हैं सारा जी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के कारण इनरेगुलरिटी आ सकती है आपके पास, पीकॉस आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है वुमेन्स में, जिसके कारण कि वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, पीकॉस काफी है, जिसके कारण बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है पीकॉस के कारण, यस। तो वो बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल, और ये डायग्नोस रिसेंटली स्टार्ट हुआ है पिछले 5-10 सालों से, आपको पता होगा आई थिंक, वेरी कॉमनली एक एक्ट्रेस है, बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, इवन योर सोनम कपूर, योर सारा अली खान, ठीक है ना, बहुत मोटी होती थी पहले वो, अब पतली हो गई है क्योंकि उसको पीकॉस था, वो खाना इतना ज्यादा नहीं खाती थी, देयर वाज ए हार्मोनल इम्बैलेंस, यस हार्मोनल बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है उसके कारण, ठीक है। तो बहुत सारी रीजंस होते हैं हैवी ब्लीडिंग के, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के, ओवरी की डेवलपमेंट के, ये सारा कुछ कौन रेगुलेट करता है, हार्मोन्स। तो तभी मैंने बोला कि बेटा हार्मोन्स का लिए तो अलग से डॉक्टर होते हैं, हार्मोन्स के लिए, क्योंकि हार्मोन्स ऊपर नीचे होंगे तो भैया सब कुछ हिलेगा, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि सिर्फ एक चीज को अफेक्ट करते हैं, पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स का डेलिकेट बैलेंस रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में, तो इसीलिए ब्रेन जो है वो कंट्रोल करती है ये सारी चीजों को, ओके। चल चलिए आगे चलते हैं, व्हाट इट, ये सारा कुछ बता दिया मैंने आपको, ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन्स के बारे में बता दिया, ठीक है।
ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ये देख लेना, इनहिबिटिंग कौन से हैं और फैसिलिटेटिंग कौन से हैं या रिलीजिंग कौन से हैं। ये सारे रिलीजिंग हार्मोन्स है, ये रिलीज करवाएंगे किसको, ट्रांसोन, TSH, ट्रांसोन, ACTH, ट्रांसोन, ये सारा कुछ। ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी यही छोड़ता है, मतलब कल को आपको स्टॉप करना है, थायराइड का प्रोडक्शन स्टॉप करना है, तो आप स्टॉप कैसे कराओगे, तो जो हाइपोथैलेमस है वो नेगेटिव स्विच भेज देगा या स्विच को ऑफ करने वाला सिग्नल दे देगा। ठीक है जी, तो वी हैव डन दिस बिजेरोटी, वी हैव डन बेसिकली, वी हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। ये क्या करते हैं ये देख लो, TSH, ACTH, FSH और ये, ठीक है ना, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, स्पिल स्टिमुलेट, हमारे में स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, फीमेल्स में ये ओवेरियन एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, ACTH है जो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनाता है, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल, फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शंस। TSH में थायराइड को प्रोडक्शन हार्मोन थायराइड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, LH में क्या है, ओवुलेशन को इंड्यूस करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसी कारणवश। और ये हमारे में भी पाया जाता है, ये याद रखो, क्योंकि हमारे में टेस्टोस्टेरॉन पाया था, फीमेल में भी टेस्टोस्टेरॉन पाएगा। अगर फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा तो उनकी आवाज में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपको पता है लड़कियों की आवाज और लड़कों की आवाज में डिफरेंस होता है, तो जैसे ये डिफरेंस ब्लर होना शुरू होता है, इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल अप हो रहा है। ठीक है, अगर ये कम हो रहा है, जैसे मेल्स में कम हो रहा है टेस्टोस्टेरोन, तो उसके कारण क्या वश होगा, उसके बाद ये जो सेकेंडरी एसेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं, जैसे दाढ़ी आ जाना या जैसे गले में आवाज बचकानी सी रहना, ठीक है ना, बच्चों वाली आवाज रहना, बहुत ही डेवलपमेंट आवाज की ना होना, सेकेंडरी एसेक्सुअल करेक्टर, वो रेगुलेट होते हैं। और आप डॉक्टर के पास तभी जाते हो क्योंकि आपको समझ नहीं है इन चीजों की, और डॉक्टर फिर आपको बड़े केयरफुली मॉनिटर करता है इन चीजों को, क्योंकि ये नहीं है कि एक गोली दे दी भी आपका टेस्टोस्टेरोन ऑफ द चार्ट्स बढ़ गया, नहीं, कि आपको ये कई बार तो खानी भी पड़ती है जिंदगी भर, क्योंकि आपको इंसुलिन, जिनको है, जिनको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिनको थायरॉइड, ये जो शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनको जीवन भर गोली खानी पड़ेगी। आप, देयर इज नो अदर वे, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई आपके सेल्स ठीक हो जाएंगे या सेल्स उतना लेवल का इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, यू विल हैव टू डू। इसी तरह थायरॉइड का भी आपको जीवन भर खाना ही पड़ता है। थायरॉइड तो इतना डेलिकेट हार्मोन है, कई बार आपको मैं दवाई खाते रहो खाते हो, मैं क्या करने जाना डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बुलाया आपको 3 हफ्ते बाद, आप 6 हफ्ते बाद गए, डॉक्टर तो माथे पे मारेगा ना सिर अपना, कि भाई मैंने 3 हफ्ते बाद बोला था, अब आपका लेवल नीचे हो गया बहुत ज्यादा, अब मेरे को अब ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ साथ साथ में चलता है, तो दैट इज वाई यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस, वेरी प्रिकॉशन लेना पड़ता है आपको डॉक्टर जब बोलता है उसमें। हार्मोन्स के लिए तो आपको देर इज नो वे कि आप रेगुलेट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, गायनेकोमास्टिया, मेल का नेकोमास्टिया, यस, गायनेकोमास्टिया, दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है लड़कियों में कई बार, ठीक है ना, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। तो हार्मोन्स आर वेरी डेलिकेट थिंग, नो बॉडी कैन यू नो, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये मिल्क प्रोड्यूस करता है, याद रखना। तो ग्रेनोट्रोपिंग हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन है, ये स्केलेटल एपिफिसियल ग्रोथ कराता है, आपकी जो बॉडी की हाइट है वो कौन बढ़ाता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि ये ग्रोथ हार्मोन आर्टिफिशियली भी दिया जाता है, जब बच्चे अभी तो 16-17 साल के होते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए, बहुत बॉडी को आपको खराब करता है वो, क्योंकि आप जब कई बार डॉक्टर बोलते हैं ना कि ये वाली डॉक्टर नहीं, वो आपने देखा होगा बाबा रामदेव की भी आती है जी, ये खाने से बड़ा हो जाता है बंदा, है ना, हाइट बढ़ जाती है, वो मत खाया करो, क्योंकि वो स्टीरॉयड होते हैं, उसका कोई प्रूवन कंसेप्ट नहीं होता है, ऊपर से अगर आपने सिंथेटिक एनालॉग दे दिया तो आपकी बॉडी बाढ़ में गई, बस बाकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। यस, नेचुरल ग्रोथ हार्मोन वो तो प्लांट्स में भी होते हैं, वो हम पढ़ के आए थे ऑलरेडी। ठीक है, तो दीज आर ऑल समथिंग अबाउट दीज हार्मोन्स, ठीक है ना, तो ये मैं आपके पास नोट शेयर कर दूंगा। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने बात कर लिया, टायरोसिन लेवल होता है, थायरोक्सिन होता है, T3, T4, T4, ठीक है ना, कैल्सिटोनिन भी यही प्रोड्यूस करता है, याद रखना, ये कैल्शियम एस फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म को भी चेंज करता है थायरोक्सिन, ठीक है ना। तो दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक थायराइड हार्मोन, एक कैल्सिटोनिन, कौन प्रोड्यूस करता है, थायराइड हार्मोन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को भी चेंज करता है, तो कई बार आप में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक
है ना। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियां खुरनी शुरू हो जाती हैं, जिसको बहुत कमजोर होनी शुरू हो जाती है, बेंड होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना, टूट जल्दी जाती हैं। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स का बैंड होना। तो बोन्स किससे बनती है आपको पता है, कैल्शियम के कारण उसमें स्ट्रेंथ मिलती है, पोरस बोन हो जाती है ना। तो कैल्शियम बोन्स में कम होना शुरू हो जाता है। कई बार विटामिन D3 खाने से भी आपकी बोन में उतना ज्यादा कैल्शियम नहीं बन पाता। फिर आपको अपना थायराइड लेवल चेक कराना पड़ता है। थायराइड लेवल जब आप उसमें, क्योंकि कैल्शियम रेगुलेट करता है थायराइड, तो आपको थायराइड के इंजेक्शन रखने, ठीक है। डन डन डन, तो वी हैव डन दिस, ठीक है। कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन, ठीक है जी। अब इनका फंक्शन भी शायद लिखा है मैंने, है ना, ठीक है। जैसे ये देखो, थायरोक्सिन अगर डिक्रीज हो जाता है तो आपका बॉडी का थायरोक्सिन थायरॉइड बनाना शुरू कर देता है। उसी तरह ये देखो, ये एक्शन लिखे हुए हैं उनके, कौन कौन से एक्शन होते हैं, ठीक है। थायरॉइड हार्मोन के क्या लिखा, इंक्रीज बेटा मेटाबॉलिज्म रेट। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, ठीक है ना। थायरोक्सिन ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है बंदा, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है आपका बॉडी में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का एक स्पीड होती है, वो एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है ना, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस, बोन ग्रोथ, ये सारे में बहुत ज्यादा ये होता है। थायरोक्सिन का लेवल नॉर्मली ग्रोथ में बड़ा होता है, जब ग्रोथ हो रही होती है यंग से बड़ा अडल्ट 10वीं 12वीं में, तो एकदम से लेवल इनका ज्यादा ही होता है थायरोक्सिन, ठीक है। कैल्सिट्रॉन का बता दिया आपको, ठीक है। इसी तरह बाकी सारे भी आपको पढ़ना है। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स उसके पीछे होते हैं, थायरॉइड के पीछे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होते हैं, ये देखो, ठीक है। थायरॉइड ग्लैंड्स ऊपर है, पीछे वाले पासे में आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होते हैं। पैराथायरॉइड का क्या काम होता है ये भी बात देख लेते हैं एक बार, ठीक है। दो टाइप के सेल होते हैं यहाँ पे, ये पैराथायरॉइड हार्मोन जिनको पैराथ्रोमोन भी बोलते हैं, वो रिलीज करते हैं। ये प्रोटीन हार्मोन होते हैं और एक काम क्या करते हैं, ये भी एक तरह से कैल्शियम की रेगुलेशन ही करते हैं, ठीक है। डिक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ कैल्शियम बाय किडनीज। तो कैल्शियम की अगर कमी हो रही है आपकी बॉडी में, तो कैल्शियम बाहर भी सिक्रीट करने से किडनीज को रोकते हैं, ठीक है, और कैल्शियम की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम की प्रोडक्शन को किससे बढ़ाते हैं, जो बोन में डिपॉजिट पड़ा है, क्योंकि बोन में ही तो है कैल्शियम, और कहीं तो कैल्शियम होगा नहीं, तो वहां से ये जाके वहां से निकाल के कैल्शियम कहाँ पे भेजते हैं, ब्लड में हमेशा। तो ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी बॉडी ऑलरेडी पैराथ्रोमोन हार्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन को रिलीज करती है, हमेशा याद करना। जो थायरॉइड होगा और पैराथायरॉइड होगा, ये थायरॉइड क्या रिलीज कर रहा है, कैल्सिटोनिन। ये क्या कर रहा है, बोन बोन में कैल्शियम को भेज रहा है। अब पैराथ्रोमोन इसके उल्टा काम करता है। पैराथ्रोमोन क्या कर रहा है, कैल्शियम को कहां से निकाल रहा है, कैल्शियम को निकाल रहा है ये आपका कहां से निकाल रहा है बताइए जल्दी जल्दी। पैराथ्रोमोन हार्मोन कैल्शियम बोन से निकालता है, ठीक है ना। तो ये ऑपोजिट एंटागनिस्टिक एक्ट करते हैं पैराथ्रोमोन और थ्रोमोन, ठीक है। तो इनका लेवल भी बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, यू नीड टू रेगुलेट दिस थिंग, बॉडी आपकी रेगुलेट करना जानती है। इसी प्रकार या इसी कारणवश हमारे पास एड्रीनल या सुप्रा रीनल ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स मैंने आपको बताया था, याद है कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा होता है, जब मैंने आपको करवाया था रीनल मेड्यूला रीनल कॉर्टेक्स, याद है। कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा होता है हमेशा, और मेड्यूला हमेशा अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो अगर मैं एड्रीनल कॉर्टेक्स कर रहा हूं तो उसका मतलब आउटर लेयर से, एड्रीनल मेड्यूला मतलब इनर लेयर से। तो दो हार्मोन रिलीज होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी, एड्रीनल मेड्यूला से भी, ठीक है। ये एक्सट्रीम एमरजेंसी सिचुएशन को डील करने में हेल्प करते हैं आपके एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है जी, ठीक है। एमरजेंसी हुई फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन से, तो आपको फाइट करना है या फ्लाइट करना है, तो ये आपका रेगुलेट करेंगे। तो एड्रीनल मेडुला एपिनेफ्रिन या नेफ्रिन छोड़ता है, यही आपको भागने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है जी। एड्रीनल
कॉर्टेक्स जो होता है वो दो चीजें छोड़ता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है जी। इनका क्या फंक्शन है? ये इनका फंक्शन है, लेट मी यहाँ पे लेट यू नो, एड्रिनल फंक्शन जो है, ठीक है, देखा, कैल्शियम को जो है सोडियम को, सॉरी सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है, ठीक है, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करता है। याद है आपका बीपी कम हुआ था, मैंने आपको बोला था आपकी बॉडी दो चीजें छोड़ेगी, ठीक है, एक तो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या करेगा, यूरिन की बाहर जो सिक्रीट हो रहा है उसको कम कर देगा या बिल्कुल खत्म कर देगा। अब यूरिन सिक्रीट आउट नहीं होगा तो सारा का सारा ब्लड जो है वो आपका वॉल्यूम बढ़ाएगा, ठीक है। एक और तरीका आता है आपकी बॉडी के पास, वो है एल्डोस्टीरोन। एल्डोस्टीरोन क्या करता है बेसिकली, वो आपकी बॉडी में से सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेगा सिक्रेशन से। जब सोडियम इंक्रीज कर लेगा तो वाटर उसकी तरफ चला जाएगा, वाटर से भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्लाइन इन आइदर ब्लड वॉल्यूम या प्रेशर या हैमरेज जब आ जाती है, कई बार इतनी ज्यादा चोट आ जाती है कि खून काफी बह जाता है, तो आपकी बॉडी एडीएच प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, एडीएच और एल्डोस्टीरोन। इसको तभी बोला जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है ना, RAS मैकेनिज्म। तो ये बोथ आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी तरह कोर्टिसोल भी होता है। कोर्टिसोल क्या होता है, इट इज, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मोस्ट वर्टिब्रल टिश्यू में इसका जो पाया जाता है, इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, हेल्प द बॉडी टू डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है ना, लाइक सर्जरी, ट्रॉमा, एक्सरसाइज, इनमें, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये आपका बॉडी में स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है इसी को, कॉर्टिसोल को, ठीक है। तो स्ट्रेस हार्मोन में क्या होता है बेसिकली, जैसे आप फास्टिंग में बैठे हो तो आपकी बॉडी को आप स्ट्रेस दे रहे हो, ठीक है, 2, 4, 5, 10 दिन नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी, तो उसको डील करने के लिए स्ट्रेस हार्मोन छोड़ा जाएगा, कोर्टिसोल। ये बहुत सारे फंक्शन करता है, इतना बस आपको याद रखना है कि दिस इज ऑल्सो नोन एज कोर्टिसोल, दैट इज नोन एज बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है जी, ठीक है। तो जिस प्रकार से होता है इमरजेंसी सिचुएशंस में भी इसका बहुत ज्यादा रोल रहता है कि आपका, जैसे आपको कई बार आपने स्पीच देनी है, सपोज बचपन में आपको काफी इसके बारे में पता होगा, बचपन में जब आप स्पीच देते थे या जब आप क्या कहते थे, आप किसी स्टेज में जाते थे, एक स्टेज फियर आता था, तो यहाँ आपको रिजल्ट सुनना होता था, तो रिजल्ट सुनने के पहले 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले आपकी ये कई हो गए ना, काफी रिएक्शन प्रोनाउंस्ड होता है, उनके ये गाल है वो लाल हो जाते हैं, है ना, दे स्टार्टेड डूइंग हाइपरवेंटिलेशन, जोर जोर से सांस लेने लग जाते हैं, दिल धड़कना शुरू कर देता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक रिएक्शन, स्ट्रेसफुल रिएक्शंस, तो उसमें कोर्टिसोल आपका सिक्रीट होता है, ठीक है जी। एबनॉर्मल रिएक्शन नहीं, दिस इज बॉडीज जनरल मैकेनिज्म टू डील विद स्ट्रेस, ओके। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, क्या होता है हाइपोथैलेमिक जो होती है, एचपीए एक्सिस क्या होती है, ठीक है ना, यू डी नॉट टू डू, इतना कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, बट मोटा मोटा आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो पेनक्रियास, पीनियल ग्लैंड के बारे में अभी रिसर्च भी काफी हुई है, इसको बोला जाता है आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ से कनाडा की तरफ जाते हो, नॉन स्टॉप जा रहे हो, 13 घंटे का सफर करके जा रहे हो, तो आपकी बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होने में टाइम लगता है, इसी कारणवश आपको बोला जाता है जेट लैग, एक टर्म सुनी है आपने, जेट लैग, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइम, 1-2 दिन आपकी बॉडी को दोबारा रीसेट होने में लगते हैं, तो जैसे आप अपना फोन का रीसेट मारते हो ना, फैक्ट्री सेटिंग, ये आपकी बॉडी की फैक्ट्री सेटिंग को रीसेट करता है। तो क्योंकि अब आपने बॉडी में दिन और रात का डिफरेंस, क्योंकि आप जब जहाज में जा रहे हो तो यू आर, आपके पास कोई एक्सटर्नल क्यूज नहीं होते खास कि आपका दिन चढ़ गया या नहीं चढ़ा या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो जब आप एक आपकी बॉडी रीसेट मारती है दोबारा से, तो उसको बोला है, वो कौन से ग्लैंड से मारती है, ये भी आपका, क्योंकि ब्रेन का ही एक ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट विल रेगुलेट ऑल अदर हार्मोन्स, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी में पीनियल ग्लैंड में डेफिशिएंसी आती है तो कोर्टिसोल की रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, कोर्टिसोल इज ए स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि
आपको नींद में पैटर्न में डिफरेंशिएशन मिलती है, तो आपकी बॉडी को समझती है कि आप स्ट्रेस में हो। खुद सोचो, काफी चेंजेस आती हैं आपकी बॉडी में। देखो, जब आप पेपर के कारण टेंशन ले रहे होते हो या किसी बॉडी में, इट कैन बी आल्सो योर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आल्सो, ठीक है ना, तो आप सोना बंद कर देते हो, रात को सोते कम हो, जब रात कम सोते हो सारा दिन आपका ऐसा लगता है अगले दिन की मेरे को नींद आ रही है, तो आपकी बॉडी समझती, क्यों समझती ऐसा, क्योंकि आपने अपना क्या डिस्टर्ब कर दिया है, बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर आप 10 बजे खाना खा के 11 बजे सो जाते हो और ऊपर से बाद 6 बजे उठ जाते हो, तो इट्स वेरी गुड थिंग, ये स्ट्रेस कम होता है। अगर आपका स्ट्रेस कम होगा, अगले दिन आप जितना मर्जी पढ़ लो, पढ़ने से स्ट्रेस नहीं आता, ठीक है, पढ़ाई से स्ट्रेस नहीं आता है। स्ट्रेस कब आता है, जब आप रात को 10 बजे या से लेके 2 बजे तक फेसबुक को देख रहे होते हो, टिकटॉक, टिकटॉक तो बैन हो गया, जब पहले टिकटॉक देखते थे या ये चीजें करते थे, जब आपका सोने का टाइम है तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक में क्या चल रहा है, अभी वो नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, नरेंद्र तोमर जी चल रहे हैं, किसाने चल रहे हैं, किसानी का संघर्ष चल रहा है, मन तो बड़ा करता है आपका वहां पे जागने बैठने का, पर टाइम नहीं लग रहा है ना, तो ये सारी चीजें जब फालतू की आप सोच रहे हो तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, अगला दिन वो सारा स्ट्रेस रहता है, भाई और बहनों, यस बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, तो वो स्ट्रेस रहेगा अगले दिन, तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं होगी। जब मैं आपको बोलता होता हूँ कि जब आपका पेपर होगा, सपोज 10 से 12 और 2 से 5, इस दौरान आपने नहीं सोना, चाहे जितना मर्जी मन करे आपका रजाई से बाहर ना निकलने का, तो आपने सोना नहीं है, क्योंकि अगर आप सो जाते हो इस टाइम पे तो आप पेपर में भी सो ही जाओगे भैया, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या कर रही है, 10 से 12 सो रही है, तो आप जितना मर्जी मेहनत लगा लो सोते ही रहोगे भैया पेपर में। तो आप बोलते हैं ना, एक लिटरली और फिगरेटिवली भी आप बोलते हो, सर आप पेपर में तो मैं बस सो ही रहा था, ऐसी ऐसी गलतियां करोगे कि जो आपको लगेगी पेपर के बाद, क्या यार मेरे को शर्म आती है, ठीक है ना, कि वो गलतियां डिस्कस ना करूं मैं, ठीक है, तो आप देखते हो, कई बार देखोगे, बहुत बार आप ऑब्जर्व भी करोगे, आप अभी यूपीएससी का पेपर दे रहे होगे ना, पेपर दे के आए, बाहर आके जैसे आपने दोबारा पेपर खोला, यार ये गलत मैंने कैसे कर दिया, इतना दिमाग मेरा कैसे खराब हो सकता है, वो वही खराब तो होगा ही, 2 से 5 आप सो रहे होते थे सारा टाइम, तो 2 से 5 बॉडी सो रही होती थी, अब 5 बजे बाहर निकल के आप पेपर देखोगे तो आप कहोगे यार ये क्या हो गया भैया, इतना बुद्धू कहाँ से बन गया मैं, यस, तो आपकी बॉडी वो, आप तभी मैं कह रहा हूँ भाई मना करो आपकी बॉडी को, नहीं सोना मैंने 10 से 6 नहीं सोना, बाकी 9 बजे भी सो सकते हो, इसके इसके बाद जब मर्जी सो जाओ, लेकिन ट्राई करो 10 से 6 मत सो, अगर 10 से 6 नहीं सोओगे तो आपकी बॉडी एक्टिव ही रहेगी जो मर्जी करो, इससे आपको 5-10 नंबर का फर्क पड़ेगा भैया, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि पढ़ते हो, जो पढ़ाकू भी होते हैं बहुत ज्यादा, कि बाद में वो पछताते हैं कि यार ये क्या गलती कर दी मैंने, ये गलत कैसे कर दिया मैंने, तो सिर्कैडियन रिदम, इसी पे अभी नोबेल प्राइज भी मिला 2019 का एक साइंटिस्ट को, मेलाटोनिन लेवल जो होता है सिर्कैडियन रिदम को चेंजेस करते हैं, तो वो हम तब पढ़ जाएंगे, ठीक है जी, तो इसके बाद हमने पेनक्रियास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इसको मैं आप और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स क्या होते हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तो आप वो वाली स्लाइड या वो वाला देख सकते हो दोबारा से जाके, अगर आपको समझ नहीं आ रहा था सोमाटोस्टैटिन ग्लूकागन और इंसुलिन को कैसे मैंने एक्सप्लेन किया वहां पे, गोनेड्स सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो सेक्स हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, दे आर योर टेस्टिस एंड ओवरीज, उनको रेगुलेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन अगर बढ़ेगा तो ठीक है, यू नो इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, ये सारा कुछ, ओवरीज का क्या फर्क पड़ेगा आपको मैंने बता दिया, ठीक है, तो इसके अलावा और कोई मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है ना, मोटली ये होते हैं, ये इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जैसे अगर मैं आपको पैथोलॉजी के बारे में बोलूं तो कैन यू रिलेट नाउ कि थायराइड से गेंगा होता है, ठीक है ना, हाइपर थायराइड से ग्रेव डिजीज होती है, ऑटोइम्यून डिजीज होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म से आपको पता है मायएक्सोडिमा हो सकता है, ठीक है, गोइटर हो सकता है, क्रेटिनिज्म हो सकता है, ये आपके ऊपर है भैया, इनको पढ़ो, एक्रोमेगैली मैंने सिर्फ लिख दिया, ये पता होना चाहिए, गाइगेंटिज्म ग्रोथ हार्मोन से होता है, एक्रोमेगैली भी ग्रोथ हार्मोन से होती है, ड्वार्फिज्म भी ग्रोथ हार्मोन से होता है, डायबिटीज इंसिपिडस इज टू मच ईडीएच, ईडीएच इज सिक्रीटेड बाय विच हार्मोन,
विच ग्लैंड एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ईडीएच हार्मोन क्या होता है, वैसोप्रेसिन क्या होता है, ठीक है ना। तो डायबिटिस इंसिपिटस नॉट मेलाइटस, इट इज टाइप 1 डायबिटिस, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज इज डायबिटिस मेलाइटस, वो आपकी पैनक्रियास से होता है, याद करना, ठीक है ना। तो थायराइड हार्मोन ग्रेव डिजीज क्या होती है पढ़ लेना एक बार, ये मैं आपको मोटा मोटा दिखा देता हूँ, फोटो देखो ये होती है, ये कुशन सिंड्रोम, सॉरी ये कुशन है, मेरे पास शायद फोटो है कि नहीं, मेरे को चेक करने दो। ये ग्रेव डिजीज दिख रहा है, एक्सोफेथैलमस हो जाता है, मोटा मोटी आंखें हो जाती, बहुत मोटी आंखें हो जाती है, और गेंगा बन जाता है, ठीक है जी, थायरॉयड ग्लैंड से, ठीक है जी। डन, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ। तो थायराइड, हाइपर थायराइड से ग्रेव डिजीज होती है, हाइपो थायराइड से गॉइटर होता है, क्रेटिनिज्म होता है, और मैक्सेडिमा होता है। ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग, कौन सी हाइपर से होती है, कौन सी हाइपो से होती है, ये कभी वो पूछ सकते हैं। पेनक्रिया से डायबिटिस मेलाइटस होता है, ये देखो, ठीक है। इंसुलिन नॉट इनफ, इसमें इंसुलिन इनफ होती है लेकिन एडीएच टू मच हो जाता है, ठीक है ना। तो ये और बाकी भी बहुत सारी, जैसे एड्रिनल ग्लैंड से आपका क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम होता है, कुशिंग सिंड्रोम आपको बताया था, मोटा हो जाता है बंदा। एडिसन्स डिजीज क्या होती है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि कॉर्टिकोस्टीरॉइड हार्मोन कॉर्टिसोल ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, एल्डोस्टिरोन बढ़ता है कम होता है, चेक कर लेना इसको नेट पे, ठीक है। और ये आपको फर्क देखने को मिलेगा, ये देखो हार्मोनल डेफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। ये पहले ऐसी दिखती थी, अब ये ऐसी दिखती है, यू आर नो बहुत आती है, ठीक है, पोस्ट एंड आफ्टर, ये कुशिंग सिंड्रोम के आफ्टर है, ठीक होने के आफ्टर नहीं है, ठीक है। तो दिस सम्स अप प्रॉपर टुडेस लेक्चर अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम एंड एनिमिलिया किंगडम, हमने क्लासिफिकेशन भी किया आज, ये आपके ऊपर है, इस सारे क्वेश्चन के ऊपर, पैथोलॉजी के ऊपर मेरे को स्लाइड चाहिए, एक एक टेबल बनाना, ठीक है। तो एक टेबल बनाना है आपने, ठीक है, टेबल में आपने लिखना है हार्मोन, नंबर एक किस प्रकार का हार्मोन है, स्टीरॉयड है या पेप्टोइड है या माइनो एसिड्स है, उसके बाद लिखना है आपने इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, और इसका हाइपर सिक्रेशन से क्या पैथोलॉजी हो सकती है, हाइपो सिक्रेशन से कौन सी डिजीज हो सकती है। ये चार टेबल बना के आपने अपना रख लेना बस, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करना है आपने, ठीक है जी। डन, ओके, चलो ये आपका मैंने इंडोक्राइन सिस्टम भी करवा दिया है, खत्म। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लास है, वी विल बी डीलिंग विद इज बेसिकली योर व्हाट इज, हाँ, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। डन, ओके है, लेट मी रिमूव इट, चलिए, थैंक यू फिर बेटा। इको एंड एनवायरनमेंट की मैं बता दूंगा, अभी टेंशन मत लो, जब मैं करवाऊंगा शुरू मैं करवा दूंगा, आपको बता दूंगा, मेरे नोट्स भी हैं, मेन आपने वो रेफर करने हैं, मेरे नोट्स सभी चीजों से मैंने मिला के बनाए हैं, ठीक है, मेरे नोट्स ही आपने रेफर करने हैं, उन्हीं के आपने उसके वो ऑलरेडी फिनिश नोट्स हैं, बस उसको पढ़ लेना, ठीक है, उसके बाहर आपको पेपर नहीं आएगा। बाकी आपको बुक चाहिए होगी, मैं एक दो रेफर करने के लिए, आपका मन करता है पढ़ने के लिए तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, बुक्स भी आपको रेफर बता दूंगा, लेकिन मेरे नोट्स शुड बी योर बेस, उसके बाहर नहीं पढ़ना है। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, उसके लिए भी एक दो बुक बता दूंगा, बट मेरे नोट्स बिल्कुल रखने हैं।